अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से अब आवाज़ भी क्लियर है जी। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, देन विद इन 30 सेकेंड वी कैन स्टार्ट विद द प्रॉपर क्लास। वॉइस मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा जी, तो अभी तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सो वी कैन स्टार्ट नाउ विद द डिस्कशन। मीनवाइल जो मजीद स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि इन टुडेज क्लास इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू पीपल कैन एक्चुअली मेक द वेबसाइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टिल द कंप्लीट आफ मतलब वंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी स्क्रैच, और उसको फिर इंशाल्लाह हम कंप्लीट भी करेंगे। ओके, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू एंड दैट थिंग इज कि जिस तरह हमने लास्ट क्लास में अनाउंस किया था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह फी अमान अल्लाह हम आखिरी में कहते हैं, तो उसमें हमने ये आपसे कहा था कि आप लोगों को यू हैव टू थिंक फॉर एन आइडिया, यू हैव टू स्टार्ट विद द वर्क। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने एक जनरल होम पेज बना के दिखाया है, लिंक सेंड किया है कि सर ये आइडिया हमने किया है, आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं, अपना फीडबैक दें। तो यकीनन मुझ तक जितना पॉसिबल हुआ, मैसेज बहुत आते हैं, पर जितना पॉसिबल हुआ है मैंने फीडबैक भी दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बिहाफ में आप लोगों को अप्रिसिएशन भी दी है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड विद द वर्क, ऑलरेडी स्टार्टेड विद द वर्क। सो दिस इज एक्सट्रीमली ग्रेट, दिस इज मार्वलस द वे द काइंड ऑफ एफर्ट यू पीपल आर पुटिंग। थोड़ा सा मसला ये आ रहा था कि सर स्टिल सम ऑफ यू आर वेरी बिगनर, जिनका कंप्यूटर साइंस से कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हमने देखे पहले दिन से आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया है कि वी कंसीडर यू टू बी द लेमैन, कि आपका कंप्यूटर साइंस से कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता, एंड वी आर हियर टू गिव यू द कंप्लीट सपोर्ट। और उम्मीद है कि आप इस चीज को एग्री भी करेंगे कि जिस तरह हम करवा रहे हैं उसमें तरीकाकार हम उसी को अपना रहे हैं। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हम वेबसाइट बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे। असाइनमेंट नंबर 4 के हवाले से मैं एक बात जरूर कहूंगा, कुछ हमारे दोस्त एतकाफ में बैठे हैं तो उनसे हमने इल्तजा भी की है कि हमारे लिए दुआ करें, आप तमाम जितने भी क्लास फेलोज हैं उनके लिए दुआ करें, तो वो यकीनन इबादत करते हुए आप लोगों के लिए हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे। द थिंग इज कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि आप लोगों को समझनी है, वो समझने वाली बात ये है कि देखिए मैंने अगर आपको कहा ना अपने सराउंडिंग में देखो, अपनी फैमिलीज में देखो, आप ये देखो कि आपका क्या इंटरेस्ट है। इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच यू रियली वांट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड टू टू क्रिएट एनी बिजनेस, तो उसकी वेबसाइट अभी से बना लो। बिकॉज इफ योर बिजनेस इन टूडेज वर्ल्ड इज नॉट ऑन द इंटरनेट, सो योर बिजनेस डज नॉट इवन लाई इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आपका इंटरनेट पे बिजनेस होना बहुत जरूरी है। वरना आजकल आप देख सकते हैं पेंडेमिक की सिचुएशन है, और पीपल नीड द वेबसाइट, पीपल नीड देयर बिजनेस टू बी ऑन ऑन द इंटरनेट, तो यू पीपल आर गोइंग टू बी ऑन द वेरी टॉप इन द अपकमिंग टाइम, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। एक और चीज मुझे आप लोगों को समझानी है कि प्लीज पैनिक ना हो। मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस भी आए हैं कि सर मैं जब अपने भाई बहनों को देखते हूँ तो वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर मैं अपने फादर को देखता हूँ तो वो जॉब कर रहे हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है, फिर मैं अपने कजन्स को देखते हूँ तो वो बेरोजगार बैठे हुए हैं बेचारे।
तो सर मैं किस चीज़ की वेबसाइट बनाऊँ और किसको बना के दूँ? तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि यू डोंट हैव टू बी वरीड फॉर इट, बिल्ड अ वेबसाइट विच गिव्स यू द कंप्लीट इंटरेस्ट. आप वो चीज़ बनाएं कि जो आप समझते हैं कि इन फ्यूचर यू पीपल कैन क्रिएट सच अ बिजनेस फॉर यू पीपल, आप उसको वेबसाइट बना सकते हैं. मुझे बहुत से ऐसे मामलात आए कि सर हमारे पास वीज़ा कार्ड नहीं है, हमारे पास मास्टर कार्ड नहीं है, हम किस तरीके से डोमेन को परचेज करेंगे? तो मैं अभी अनाउंस करने के लिए ये जा रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग डोमेन परचेजिंग हम इसको विदहोल्ड कर रहे हैं, आप डोमेन ना परचेज करें, बट इंशाल्लाह हम इसको सिखा देंगे आपको और आप इसको करना भी है डेफिनेटली. जो चीज़ आप बना रहे हो तो हम ये करेंगे कि डोमेन होस्टिंग असाइनमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है आपसे, बट आपको जो हम सैटरडे की क्लास होगी, अगले हफ्ते हमारी क्लास नहीं है, बट उसके अगले हफ्ते जो सैटरडे, वही हम दोबारा अपनी टाइमिंग में आ जाएंगे, दैट इज रात के 8 से रात के 11 बजे तक, जिसमें 10 बजे हमारे पास बासित अजान भी देंगे. तो उसमें हम लोग जो है वो इंशाल्लाह शुरू के 15 से 20 मिनट में आपको होस्टिंग सिखा देंगे. असाइनमेंट के लिए जो मैंने मैंडेटरी कहा था वो मैं हटा रहा हूँ, होस्टिंग यूआरएल खरीदना असाइनमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? जिसने खरीद लिया बहुत अच्छी बात है. वर्डप्रेस पे तैयबा आप नहीं कर सकते, आपको कोड HTML CSS या बूटस्ट्रैप की मदद लेनी है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू कॉप अप विद द वर्क. बाकी अगले हफ्ते आप लोगों की क्लास नहीं है, इसकी अनाउंसमेंट मैं अभी से कर रहा हूँ. इज देयर एनीथिंग व्हिच आई एम मिसिंग, सो दैट गौस आप आ जाओ, फिर वी कैन स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टू द कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ द वेबसाइट. जी गॉस, एनीथिंग विच आई एम मिसिंग? ठीक हो गया. तो जी हरदास खत्री आप बनाएं, बिल्कुल बनाएं. PHP वगैरह पे देखो, जो चीज़ हम नहीं सिखा रहे आप उसके मुताबिक नहीं कर सकते. पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं आप, पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, बट ज़्यादातर मैं चाहूँगा कि बिजनेस ओरिएंटेड हो. पोर्टफोलियो में ये होगा कि आपके 1 मार्क डिडक्ट होंगे, क्योंकि वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है ना, हमें आपका बिजनेस ओरिएंटेड चाहिए. तो क्वेश्चन आया कि सर वर्डप्रेस और HTML CSS में क्या फ़र्क है? तो वर्डप्रेस इज अ प्लेटफॉर्म के जहाँ पर आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ भी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में आप कोड के थ्रू सॉरी HTML CSS में आप कस्टम बना रहे हैं. देखिए वर्डप्रेस आपके लिए अब इस लेवल पे सीखना इज अ गेम ऑफ 1 डे, एक दिन में आप कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो ओवर देयर, क्योंकि हम जिस ट्रैक को लेके चल रहे हैं वो ट्रैक आपका उस लेवल के लिए नहीं है. जी यस जरमान, अगर आप 7 से ज़्यादा पेजेस वाली वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. होस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी. जी बिल्कुल, एजुकेशन साइट बना लें आप. आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोग जो है सिंपली जिस तरह अभी एजुकेशन की वेबसाइट का बोला है, आप अभी उसका लेआउट बनाने की कोशिश करें और उसी लेआउट को एक गोल बना के रखें कि इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में आप उस लेआउट को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ बिजनेस मॉडल. जब हम आपको जावास्क्रिप्ट कम्प्लीटली सिखा देंगे, रिएक्ट सिखा देंगे, तो आप उसी वेब को फिर इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे इनटू द वेब एप्लीकेशन, और जब रिएक्ट नेटिव सिखाएंगे आप उसी वेब का इंशाल्लाह आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाएंगे. तो थिंग्स आर गोइंग टू बी कंपेरेटिवली बेटर फॉर यू पीपल. अच्छा, क्योंकि अब छुट्टियां आ रही है तो असाइनमेंट्स आप लोगों के चेक हो चुके हैं, जो पिछले 3 असाइनमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट मैं अपकमिंग वीक में लगा दूंगा. मेरे जहन से निकल जाता है कामों का लोड की वजह से. बैक एंड नहीं कीजिएगा फरा निज़ाम, आपको बैक एंड नहीं करना, सिर्फ लेआउट बनाएं, UI बनाएं, दैट्स इट. वेलफेयर पे बना सकते हैं यूनुस, बिल्कुल बना सकते हैं. कायनात मैंने अभी बताया है कि .com वगैरह का URL मैं हटा रहा हूँ असाइनमेंट में से, नहीं लेना आपको, बट फिर भी मैं सिखा दूंगा, जो लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप फायरबेस पे डिप्लॉय इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वहां पर आपका PHP का सर्वर आ जाता है.
हमारा आप स्कूल में जॉब करते हैं, वहाँ की वेबसाइट नहीं है, बना दो भाई, उसको दे दो बना के, करो ना यार। बिल्कुल, बाइंग एंड सेलिंग का भी आप कर सकते हो, डोमेन परचेजिंग वगैरह आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 4 to 7 pages जो मैंने बताया, जैसे होम पेज बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट अस बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, और उसके साथ साथ गैलरी वगैरह बना दी, या आपने कैरियर डिटेल्स वगैरह बना दिया, कुछ भी जनरल इन्फॉर्मेशन, तो 4 pages मिनिमम होने चाहिए। इसके साथ आप मतलब स्कूल की बना रहे हैं तो एडमिशन डिटेल्स, आप उसमें जनरल पिक्चर्स, लैब के पिक्चर्स, गैलरी वगैरह बहुत सी चीजें बना सकते हैं, इसलिए मैंने मिनिमम 4 pages की रिक्वायरमेंट रखी है, एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टिल 7 pages। 7 pages को इंक्रीज कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट मिनिमम आपकी जो है कितने पेजेस होने चाहिए, 4 pages होने चाहिए असाइनमेंट के। आपका टाइम कब तक का, दिन हमने क्या दिया था इनको, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया यार घोस, 30th of May तक का टाइम है आपको वेब बनाने का, तो आप लोग बनाए, जो एतकाफ में बैठे हुए हमारे दोस्त हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जब आप क्लास को देखोगे, ईद में उठोगे आप लोग, तो आप जब क्लास चांद रात को उठोगे, आप क्लास को देखोगे, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप विद इन द डेडलाइन आप बना लें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। पिक्चर्स बिल्कुल गूगल से यूज कर सकते हैं, फाइक, कार सेलिंग की वेबसाइट जबरदस्त हो गया ताबिश, ई कॉमर्स बना लो जैन, वर्डप्रेस पे नहीं बनाएंगे मुसैब, वर्डप्रेस पे नहीं चाहिए, असाइनमेंट 0 marks। बिल्कुल ऐसा ही है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर स्टोर बना लो भाई इरफानुल्ला, कॉपीराइट इश्यूज वहां पर आएंगे जहां पर आप लोग किसी वेब से चीजों को उठाओगे, गूगल सर्च से उठाओगे तो इंशाल्लाह कॉपीराइट इश्यूज नहीं आएंगे। सॉफ्टवेयर हाउस बना लो यार इरफानुल्ला, सॉफ्टवेयर स्टोर बना लो इरफानुल्ला, बट उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली डेटाबेस चाहिए, जहां पर या तो आप कहीं से लिंक लिंक लगा दो पिक्चर्स में, कोई सॉफ्टवेयर जो आपको रीडायरेक्ट कर रहा हो डिफरेंट वेब की तरफ। राजपूत चिकन शॉप की वेबसाइट बनानी है आपको, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन चिकन काट भी सकते हैं। बिल्कुल जरमान आप अपनी होस्टिंग यूज कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी जो है ना शाज़ेब, ई कॉमर्स में हम जब आगे बढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में करेंगे, तो इंशाल्लाह आप उसमें ऐड कर सकेंगे। स्टेशनरी वेबसाइट एक्सीलेंट यार, आप लोगों का तो दिमाग क्या जबरदस्त दिमाग है, इतना तो हम भी नहीं सोच पाते, तो आप लोग तो मतलब अभी तक तो असाइनमेंट जमा कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं लिंक लगा दूं और कल लिंक बंद भी कर दूं जिसमें आप लोग असाइनमेंट को जमा करवा दें। 30 तारीख तक तो बिलावजह का टाइम दिया हमने इनको, एक और असाइनमेंट बासित, बस बासित ने बोला एक और असाइनमेंट दे दें सर, ये तो बना चुके हैं ये लोग सारे, तो ठीक है बासित, पर रमजान का थोड़ा ख्याल करता है। जावास्क्रिप्ट की पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए। जावास्क्रिप्ट की पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी प्रैक्टिस के लिए, तुमने दी थी ना लास्ट क्लास के बाद। बैकएंड का सिखाएंगे, तौसीक थोड़ा सा सबर, गूगल से सर्च करें कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ द वेबसाइट, आप लोगों की बेशुमार बेइंतहा और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट पे आज की क्लास, जिसमें हमें जावास्क्रिप्ट करनी थी, बट आज की क्लास हम लगा रहे हैं आप लोगों को वेबसाइट मेकिंग सिखाने में, कि आप फ्रॉम द वेरी स्क्रैच
किस तरीके से वेबसाइट गॉस बेसिकली आपके साथ अभी मौजूद है, वो पेंट में आपको एक जनरल लेआउट बनाएंगे, वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, और फिर उसी को इंशाल्लाह कोड के थ्रू वेब को जनरेट करेंगे। गॉस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये कंप्लीट करके उठिएगा, चाहे 5 बज जाए 5:30 बज जाए, बट कंप्लीट करके उठिएगा। बासित भी है तो वो भी, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो बासित से सपोर्ट लें। एंड लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ द वेबसाइट। आर यू पीपल एक्साइटेड, यस और नो बताएं। मीनवाइल मैं गॉस को दावत देता हूँ, आ जाएंगे गॉस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पेंट के ऊपर एक वेबसाइट का लेआउट बना के दिखा दूंगा, और फिर उस लेआउट को फॉलो करते हुए हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, मेरे पास कमेंट में भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि सर ई कॉमर्स वेबसाइट बना लें या किसी स्टोर की वेबसाइट बना लें, और मार्केट में ज़्यादातर जो आपको प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वो भी इसी चीज़ के ही मिलते हैं कि कोई ना कोई शॉप स्टोर वाला बोलते कि यार मेरी वेबसाइट चाहिए, कोई बड़ा आउटलेट हो वो बोलते मेरी वेबसाइट चाहिए। इसी तरह की ज़्यादातर वेबसाइट्स आपके पास ऑर्डर आ रही होती हैं, शॉप हो गई, शूज शॉप हो गई, या फिर क्लोथिंग शॉप हो गई। इसके अलावा ई कॉमर्स काफ़ी, मतलब इतनी वेबसाइट बनती है हद से ज़्यादा। तो हम आज ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बना के देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से बनती है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो पेंट पे मैं पहले आपको बना के दिखा दूंगा कि किस तरह से हम लेआउट बनाएंगे, और उसके बाद हम कोड के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम से। ठीक है जी, मैं पेंट खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम वेबसाइट का लेआउट रखेंगे। अच्छा, अभी जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं इसमें सिर्फ हम वेबसाइट की डिजाइनिंग देखेंगे, वेबसाइट की यूआई बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम मेन्यू बार बना सकते हैं, किस तरह से हम स्लाइडर बना सकते हैं, और किस तरह से उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। अभी आप इस बात को लेके परेशान नहीं होइएगा कि हम किस तरह से यूजर से ऑर्डर गेट कर सकेंगे, कि अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आता है और हमें ऑर्डर देता है तो हम उससे किस तरह से ऑर्डर लेंगे। तो ये जब हम पढ़ लेंगे, जब जावास्क्रिप्ट हम अपनी कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीजें हम उसके बाद सीखेंगे। कि अगर कोई यूजर वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म को फिल करता है और उससे हम डेटा किस तरह से गेट करते हैं और डेटाबेस हम किस तरह से बनाते हैं, ये सब चीजें हम जावास्क्रिप्ट के बाद सीखेंगे। तो अभी जहां तक हमने पढ़ा है, HTML CSS वगैरह हमने पढ़ ली है, इससे हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट का डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप हमने देख लिया अच्छी तरह, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में भी आ गया होगा। बूटस्ट्रैप के अलावा भी काफी लाइब्रेरीज हैं, उनमें से एक एक दो मैं आपको बता दूंगा कि बूटस्ट्रैप के अलावा भी दो तीन कौन सी अच्छी लाइब्रेरीज हैं। मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप शायद किसी ने सुना हो, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। इसके अलावा आइकन्स वेबसाइट में मौजूद होते हैं, कि शॉपिंग कार्ट अगर मैं बनाने जा रहा हूँ तो उसका आइकन मौजूद होगा, तो वो आइकन किस तरह से लगता है, इसी तरह से काफी सारे आइकन्स वेबसाइट में मौजूद होते हैं। तो आइकन्स भी यूज करना मैं आपको बताऊंगा कि आइकन्स किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेआउट बना लेते हैं पेंट के ऊपर, और उसके बाद कोड के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो ई कॉमर्स जो हमारी वेबसाइट होगी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि होम पेज हमारा कैसा होगा। तो अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है तो जूम करने की जरूरत नहीं है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ जाएगी एक नवबार मेन्यू बार, ठीक है जी, और उसी के नीचे हमारे पास आ जाएगा स्लाइडर, ठीक है जी। अच्छा, नव बार के लेफ्ट साइड के ऊपर हम अपना लगा देंगे लोगो। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और जब हम कोडिंग करेंगे तो मैं आपको लोगो की इमेज लगा के दिखा दूंगा। यहाँ पे आ गया लोगो, और राइट साइड पे हमारा आ गया मेन्यू, जिसमें हमारे पास होम हो जाएगा। मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसका,
जिसमें हमारे पास होम आ जाएगा और हमारे पास शॉप आ जाएगा, अबाउट अस हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास कॉन्टेक्ट अस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक आइकन होगा शॉपिंग कार्ट का, जो आइकन बना हुआ होता है। अभी मैं मेरे पास यहाँ पे कोई आइकन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ये बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा शॉपिंग कार्ट का जो आइकन होता है, आपने देखा होगा वो जो आइकन होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अकाउंट का आइकन आ जाएगा, यूजर अकाउंट का, जिससे पे क्लिक करके यूजर लॉग इन और साइन अप वगैरह कर सकेगा। ठीक है जी, ये एक हमारी नई बार हो गई। अच्छा, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव किस तरह होगी। अभी ज्यादातर लोगों को इश्यू आ रहा है कि उनकी जो मेन्यू बार है, नव बार है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो सक रही। मोबाइल पे वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है, नजर ही नहीं आ रही। तो वो हम यूज करेंगे बूट स्टेप से। बूट स्टेप हम टोटली इसमें यूज करेंगे, बूट स्टेप का स्लाइडर हम यूज करेंगे, बूट स्टेप की नव बार इसमें हम यूज करेंगे। तो बूट स्टेप की जब हम नव बार उठाते हैं, तो बूट स्टेप खुद से उसको रिस्पॉन्सिव कर देता है। जब आप उसको मोबाइल के ऊपर खोलते हैं, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव आपको दिखती है, कोई आपको इश्यू नहीं आता, हर चीज आपको मोबाइल फ्रेंडली नजर आती है। बूट स्ट्रैप खुद ये ऑप्शन देता है। तो नैब बार हम लगाएंगे और सबसे पहले नैब बार हम बना के देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिव हमारी बन गई है या फिर नहीं। नैब बार हमारी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, फिर हम आएंगे स्लाइडर के ऊपर। अच्छा, जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी फॉलो आपको करना है, कि आपने पहले नैब बार बना ली, उसको आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, मोबाइल पे कोई इशू तो नहीं कर रही, बिल्कुल आपने प्रॉपर चेक कर लिया लोगो वगैरह लगा के सब। उसके बाद आप आएंगे स्लाइडर पे, सेंटर में जो मैंने ये बनाया बॉक्स, ये हो जाएगा हमारा स्लाइडर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइडर, थोड़ा सा फॉन्ट में इसका बड़ा कर देता हूँ, ये हमारा स्लाइडर आ जाएगा सेंटर में। और स्लाइडर के साथ साथ थोड़ा सा टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, जो प्रोडक्ट मैं स्लाइडर पे लगाऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, और इसके नीचे एक बटन बना हुआ आ जाएगा। जब मैं स्लाइडर बना लूंगा, उसके बाद मैं स्लाइडर को देखूंगा कि मेरा स्लाइडर जो है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मोबाइल पे मैं चला के देखूंगा कि मोबाइल पे बिल्कुल सही नजर आ रहा है या कोई इशू आ रहा है, स्लाइडर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि स्लाइडर की जो इमेजेस आप लगाएंगे, स्लाइडर की जो इमेजेस हमारे पास होंगी 3 से 4 या आप जितनी भी लगाएंगे, उनका जो साइज है वो सबका एक बराबर होना चाहिए। स्लाइडर में इश्यू इस वजह से आता है कि जो आप फर्स्ट वाली इमेज लगाते हैं उसका साइज अलग होता है, जो आप सेकंड वाली इमेज लगाते हैं उसका साइज साइज जो है वो अलग होता है। तो इस वजह से आपको इश्यू आ सकता है, कोई किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, अगर कोई इमेज छोटी है तो फिर वो ब्लर नजर आएगी आपको, क्योंकि स्लाइडर जो है वो हम फुल स्क्रीन के ऊपर लगा रहे हैं, तो वो ब्लर भी नजर आ सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्लाइडर का जो साइज है, जितने भी स्लाइडर हम यूज करेंगे सबका सेम साइज होना चाहिए। तो हम कोई भी एक किसी भी एक वेबसाइट से जाके, दराज वगैरह से जाके स्लाइडर की कुछ इमेजेस उठा लेते हैं। अच्छा, किसी को अगर डिजाइनिंग आती है तो वो और ज्यादा अच्छी इमेजेस बना सकता है, अगर डिजाइनिंग नहीं भी आती तो गूगल से आप आसानी से सेम साइज की इमेजेस उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। तो हम सेम साइज की इमेजेस उठा लेंगे और स्लाइडर पे लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद हम स्लाइडर को चेक कर लेंगे कि रिस्पॉन्सिव हमारा हो गया या नहीं, मोबाइल पे बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे कार्ड्स। ये किस चीज के कार्ड है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये 3 कार्ड बन जाएंगे, और आपने देखा होगा काफी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इस तरह के कार्ड बने हुए होते हैं, जिसमें से यहाँ पे एक आइकन होता है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है के फ्री शिपिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्री शिपिंग। ठीक है जी, इस तरह के आपने 3 4 कार्ड देखे होंगे, फ्री शिपिंग है, 24/7 और सपोर्ट है, इस तरह की काफी चीजें, 100% क्वालिटी गारंटी है, इस तरह से चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती है। तो ये 3 कार्ड हम यहाँ पे बना लेंगे, इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि कार्ड के अंदर चला जाए। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कार्ड बना लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 24/7 सपोर्ट, 24/7 सपोर्ट।
ठीक है जी। और इसी तरह से लास्ट कार्ड जो मैंने बनाया वहां पे भी मैं कुछ आइकन लगा देता हूँ और लिख देता हूँ बेस्ट क्वालिटी। तो ये आपने काफी शॉपिंग वेबसाइट में देखा होगा कि इस तरह के कार्ड वहां पे बने हुए होते हैं कि फ्री शिपिंग इन्होंने लिख दिया है। फ्री शिपिंग का आइकन हम अच्छा सा देख लेंगे किस तरह से लगेगा। 24/7 सपोर्ट इन्होंने लिख दिया है तो इसका भी आइकन हम लगा देंगे और बेस्ट क्वालिटी इसका भी आइकन हम लगा देंगे। इससे क्या होगा हमारी वेबसाइट थोड़ा सी अच्छी हो जाएगी, मतलब यूजर को अट्रैक्ट करेगी, काफी अच्छी हम इससे बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अच्छा ये चीज भी हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे कि जब ब्राउजर पे बंदा खोले लैपटॉप के ऊपर खोले तो उसको तीनों कार्ड सेम लाइन में नजर आए, जब वो मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए तो एक कार्ड एक लाइन में नजर आए। तो ये भी हम बूटस्ट्रैप से बनाएंगे कि किस तरह से इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अच्छा मल्टी लेवल नेवबार जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं वो भी हम बना के देख लेंगे किस तरह से मल्टी नेवबार हम बनाते हैं। ड्रॉप डाउन होती है जैसे शॉप है, शॉप पे मैं क्लिक करूंगा नीचे ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, फिर उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं, मैन कलेक्शन आ जाता है, वुमेन कलेक्शन आ जाता है, काफी सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो वो भी बूटस्ट्रैप हमें बनी बनाई दे रहा है। अच्छा काफी लोगों को इश्यू इसलिए आ रहा होगा क्योंकि वो अपनी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन बना रहे होंगे और मोबाइल पे उसको रिस्पॉन्सिव भी छा रहे होंगे। अच्छा इस तरह की जो बड़ी नेवबार होती है ना जो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखी होंगी तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट वगैरह भी लाजमी होती है जो कि अभी हमने पूरी पढ़ी नहीं है सही से, तो इस वजह से आपको इश्यू आ रहा होगा। तो मैंने कहा था आपको कि अगर किसी को इस तरह इश्यू आए तो बूट स्टेप की बनी बनाई नेवबार लगा सकता है। बूट स्टेप आपको सिंगल नेवबार भी देता है, सिंगल मेन्यू वाली बूट स्टेप आपको मल्टी लेवल वाली भी नेवबार देता है। ये मैं अभी बना के भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये कार्ड्स हमने बना लिए, उसके बाद हम एक हेडिंग डाल देंगे। ये हेडिंग है, यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू न्यू अराइवल। इसकी थोड़ी सी हम साइज बढ़ा देते हैं ठीक है जी। और इस हेडिंग के नीचे मैं रेंडर करा लूंगा अपने कुछ प्रोडक्ट्स, जिसमें न्यू अराइवल में मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स किस तरह से रेंडर होंगे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ जाएगा ठीक है जी, उसके बराबर में एक प्रोडक्ट आ जाएगा, तकरीबन 4 प्रोडक्ट एक लाइन में नजर आएंगे ब्राउजर के ऊपर। और अगर मोबाइल पे खोला जाए तो फिर जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती रहेगी एक लाइन में 2 नजर आ जाएंगे, फिर स्क्रीन अगर और ज्यादा छोटी हो जाएगी तो एक लाइन में एक नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे बोर्ड स्टेप से। प्रोडक्ट में क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज हमारे पास होगी, यहाँ पे इमेज आ जाएगी और यहाँ पे उसका उसके उसका उसका नेम आ जाएगा और उसके प्राइस आ जाएंगे और नीचे एक बटन आ जाएगा ऐड टू कार्ट का। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे इमेज आ जाएगी ठीक है जी, नेम एंड प्राइस यहाँ पे उसके नेम एंड प्राइस आ जाएंगे और नीचे जो बटन हमने बनाया हुआ उसमें आ जाएगा ऐड टू कार्ट। अच्छा ऐड टू कार्ट तो आपको पता ही होगा कि यूजर जब उसको शॉप करना चाहता है उसको बाय करना चाहता है तो ऐड टू कार्ट प्ले करता है, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का एक बटन आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। ये एक मैं सिंपल लेआउट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने माइंड में सोचा था कि यार इस तरह की मैं वेबसाइट बनाऊंगा, अगर किसी का माइंड अच्छा हो तो उसके माइंड में भी पूरा वेबसाइट का लेआउट आ सकता है, या फिर उसने कोई वेबसाइट ऐसी देखी हो शॉपिंग की जो उसको अच्छी लग रही हो तो वो उसको देख के भी बना सकता है। जैसे दराज है, अब कोई चाहता है हम दराज पूरी बनाएं, दराज तो काफी बड़ी है, उसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह काफी सारी चीजें यूज होंगी, लेकिन उसके जैसी हम उससे सिमिलर कुछ बना लें। तो इसी तरह से मैं ये बना के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम ये बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आ जाएगा और सारे प्रोडक्ट्स पे हम इसी तरह से इमेज नेम प्राइस ऐड टू कार्ट ये बटन हम लगा देंगे। उसके बाद हमारे अच्छा ये 2-3 लाइन भी हो सकती है न्यू अराइवल्स, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा फीचर प्रोडक्ट्स, वो भी हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं।
ये हमने बना लिया। और इसके बाद इसी तरह से फोर प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी रेंडर हो जाएंगे। न्यू अराइवल्स हमारा आ गया और उसके बाद हमारे आ गए फ्यूचर प्रोडक्ट्स। ये एक होम पेज का सिंपल सा लेआउट बन गया जो हम अब कोडिंग पे बनाने जाएंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा फुटर। फुटर के अंदर हम लिख देंगे थोड़ा सा टेक्स्ट, इसमें मैं लिख देता हूँ कॉपीराइट। और यहाँ पे कॉपीराइट का एक आइकन आपने देखा होगा, वो भी हम देख लेंगे किस तरह से लगेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपीराइट सिलानी। ठीक है जी, इस तरह से हम थोड़ा सा टेक्स्ट फुटर के अंदर लिख देंगे। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पेज के ऊपर, शॉप है, अबाउट अस किस तरह से बनेगा, कॉन्टेक्ट अस किस तरह से बनेगा। और एक पेज हमारा और बनेगा कि जब यूजर प्रोडक्ट को देखना चाहे, कि जैसे ये प्रोडक्ट है मेरा, इस पे मैं क्लिक करूं तो वो सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पे चले जाए जहां जहां इस प्रोडक्ट की मजीद डिटेल लिखी हुई हो, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हो उसकी। और अगर मैंने एक प्रोडक्ट की 3 से 4 इमेजेस लगाई हुई है वहां पे, वो मुझे नजर आ सके और उसके प्राइस वगैरह और उसके फीडबैक वगैरह वहां पे नजर आ सके। और वहां से मैं परचेज भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से क्वांटिटी के, मैं एक चाहिए, मुझे 2 चाहिए 3 चाहिए, तो वो पेज भी हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम सिंपल लेआउट को लेके, किस तरह से हम ये एक होम पेज का लेआउट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देख देख के मैं बनाऊंगा। ये मैंने एक सिंपल सा लेआउट बना दिया है और इसको अब हम कोडिंग के ऊपर बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ था ई कॉमर्स के नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और VS कोड के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। VS कोड के ऊपर मैंने अपना फोल्डर खोल लिया। और यहां पे मैंने एक फाइल बना ली index.html। कॉपीराइट इसलिए लिखते हैं क्योंकि पता चल जाए कि यार ये वेबसाइट हमने बनाई भी है, कोई अगर उसको कॉपी वगैरह करता है तो हम उस पर कॉपीराइट का इशू डाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफी वेबसाइट्स में कॉपीराइट फुटर में आपको मिलेगा, कॉपीराइट 2020, कॉपीराइट 2019। तो इस तरह ये इस वजह से हम डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक index.html की फाइल बना ली है। HTML का स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ और टाइटल में मैं लिख देता हूँ ई कॉमर्स। ठीक है जी, अब मैं अपनी इस index.html की फाइल में सबसे पहले बूटस्ट्रैप कनेक्ट करता हूँ। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ, मैंने लिखा गूगल पे आके बूटस्ट्रैप। ठीक है जी, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे मैं आ गया। गेट स्टार्टेड मैंने कर दिया। अच्छा, ये चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। गेट स्टार्टेड में मैं आ गया क्विक स्टार्ट। इसमें CSS का लिंक हमारे पास मौजूद है और JavaScript के लिंक हमारे पास मौजूद है। या तो हम ये डायरेक्ट लिंक लगा सकते हैं, मैंने ये लिंक कॉपी करा और मैं अपने हेड के टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको लिंक नहीं लगाना तो आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, वो तरीका आपको आता होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। इसके अलावा आपको लिंक लगाना है जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट के लिंक इस वजह से आपको लगाने होते हैं कि बूटस्ट्रैप में अगर कोई फंक्शनल चीज आप यूज करें, जैसे कि स्लाइडर, स्लाइडर हमें यूज करना है, स्लाइडर फंक्शनल है कि अगर मैं राइट साइड वाले आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरी स्लाइड मुझे नजर आ रही है, तो लाजमी बात है उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट भी लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और अपने index.html की फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। ये बूटस्ट्रैप मेरे HTML की फाइल के अंदर लग गई है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बूटस्ट्रैप का लेआउट। अभी मुझे बनानी है नेवबार। अच्छा, सबसे पहले मैं नेवबार बना लेता हूं और उसके बाद मैं बनाना शुरू करता हूं स्लाइडर वगैरह। तो मैं आ जाता हूं कंपोनेंट्स के अंदर। लेफ्ट साइड पे आप देखें यहाँ पे मेन्यू बार है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर काफी सारी चीजें, अलर्ट्स भी है, बटन्स भी है। तो हमें अभी लगानी है सबसे पहले नेवबार। नेवबार के ऊपर मैं आ गया। अच्छा, आप नीचे आएंगे देखें यहाँ पे काफी सारी नेवबार हैं, जैसे ये एक नेवबार है, इसमें
यहाँ पे लोगो आप लगा सकते हैं, कुछ लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे सर्च भी यहाँ पे दिया हुआ है, सर्च भी दिया हुआ है और कुछ लिंक्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो ये सिंपल एक नेम बार है, इसमें सिर्फ एक लोगो लगेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये वाली भी हम नहीं लगा रहे, हमें कोई ऐसी नेम बार लगानी है जिसमें हमारा लोगो भी आ जाए और राइट साइड पे हमारे आइकन्स भी आ जाए। तो इस तरह की भी हमें मिल जाएगी, ये देखें जैसे कि नेव बार यहाँ पे बनी हुई है और इसमें कुछ लिंक्स भी आ रहे हैं, इस तरह की कुछ हमें चाहिए। आप पूरा जैसे आप अच्छा ड्रॉप डाउन आपने बोला था, ये देखें बूट स्टेप ड्रॉप डाउन वाली भी हमें दे रहा है। जैसे कि अभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, मैंने शॉप पे क्लिक करा, शॉप के बाद मुझे उसकी सब कैटेगरी नजर आ जाए, मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, इस तरह से कुछ भी मतलब हम बना सकते हैं। अच्छा ऊपर वाली जो थी मेरे ख्याल से, अच्छा ये वाली सही है मेरे ख्याल से, ये वाली नेवबार हम यूज कर लेते हैं। मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया। अच्छा यहाँ पे कॉपी का बटन भी, या तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा या फिर इसको पूरा सेलेक्ट करके हम कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि मेरे पास ये चल रहा है या नहीं। मैंने index.html को ओपन करा, थोड़ा सा ये लोड ले रहा है और ये मेरे पास चल गया। नेवबार थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं अब क्या करूंगा इस टेक्स्ट को हटा दूंगा और इसकी जगह मैं एक लोगो लगाऊंगा। उसके बाद मेरे पास कुछ लिंक्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मुझे कुछ लिंक्स नहीं रखने हैं, मुझे राइट साइड पे लिंक्स रखना है, तो मैं इस लिंक्स को राइट साइड के ऊपर ले आऊंगा। देखते हैं किस तरह हम लाएंगे। अच्छा ये लिंक्स हमारे पास आ गए और ये टेक्स्ट है, हम क्या करेंगे इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और इस स्पैन के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें ये लिंक जो है राइट साइड पे आ गए, और ऊपर वाले जो लिंक है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। मैंने क्या करा मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने एक नेव बार बूटस्ट्रैप से उठाई, ठीक है ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही बूट स्टेप पे मैं आया था, कंपोनेंट्स के अंदर मैं आया था और यहाँ पे ये नेवबार आपको नजर आ रही होगी, ये मैंने उठाई है, इसका कोड यहाँ पे मौजूद है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, देख सकते हैं आप ये सारा कोड है, मैंने इसको कॉपी करा और अपने index.html की फाइल में आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अभी सिंपल मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ कॉपी करा और पेस्ट करा। अब मैं इसको चला के देख रहा हूँ कि मेरे पास नेवबार किस तरह से नजर आ रही है। तो मैं ब्राउजर पे आऊंगा, रिफ्रेश करके देखूंगा तो इस तरह से ये नेवबार मुझे नजर आ रही है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा इस पे मैं ज्यादा जूम करूंगा तो स्क्रीन का साइज छोटा होगा, वो उसको मोबाइल व्यू दिखा देगा। तो एक काम मैं करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नजर आ जाए। मैं एक CSS की फाइल बना लेता हूँ, style.css, और इस फाइल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपनी HTML की फाइल के साथ। जहां पे मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया उसी जगह पे मैं अपनी CSS की फाइल का भी लिंक लगा सकता हूँ। कुछ मेरे पास ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जब बूटस्ट्रैप हमने यूज कर ली तो उसके साथ साथ हम अपनी CSS यूज कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप अपनी CSS भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने नए बार बूटस्ट्रैप की यूज करी, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ग्रे। अब मैं इसको अपनी मर्जी से रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ, किस तरह से, अपनी style.css लगा के। मैंने फाइल बना ली style.css, और जहां पे मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया हुआ है उसी के नीचे मैं अपनी फाइल का भी लिंक लगा दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा लिंक, इंटर करा और href के अंदर मैंने बोल दिया style.css। यहाँ पे मेरी CSS की फाइल भी कनेक्ट हो गई और बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल भी कनेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नेवबार का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा नेवबार की क्लास देख लूंगा। ये आ गया, मैं NNF के नाम से यहाँ पे एक टैग बना हुआ है, इसकी जो क्लास है वो है नेवबार। मैं इस क्लास को कॉपी करूंगा, मैंने इस क्लास को कॉपी करा और अपनी CSS की फाइल में आ गया। CSS की फाइल में आके मैंने नेवबार को टारगेट करा, नेवबार, और बैकग्राउंड कलर कर दिया एक्वा। इसको मैं चला के देखता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा आया या नहीं, मैंने रिफ्रेश करा नहीं आया। अच्छा ये इशू अगर आपको आ रहा हो तो आप इम्पोर्टेंट इसको लगा सकते हैं, क्योंकि बूट स्टेप में उसको बैकग्राउंड कलर पहले से ही दिया हुआ है। तो ये इशू अगर आपको आए या इम्पोर्टेंट लगा दें, मैंने जैसे ही इम्पोर्टेंट लगाया उसने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया।
तो अगर आपकी सीएसएस वर्क नहीं कर रही हो तो आप कीवर्ड यूज करेंगे सीएसएस का इंपॉर्टेंट। ये कीवर्ड सबको पता होगा किस लिए यूज होता है। ये इस वजह से यूज होता है कि पहले से अगर कोई सीएसएस हमने किसी टैग के ऊपर लगाई भी है और हमें नहीं पता वो सीएसएस कहाँ पे लगी हुई है, हम उसको ढूंढने के काफी टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, उस क्लास को दोबारा से टारगेट करेंगे और सीएसएस दोबारा लगाएंगे और उसके साथ साथ एक कीवर्ड लगा देंगे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसके साथ लगता है, ये हम लगा देंगे। जहां जहां हम सीएसएस इसकी लगी हुई होगी सबको इग्नोर कर देगा, बैकग्राउंड कलर जहां जहां लगा हुआ होगा सबको हटा देगा, ये लगा देगा इंपॉर्टेंट वाले को जो कि एक्वा है। अच्छा एक्वा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं एक काम करता हूँ, गूगल से कोई अच्छा सा कलर मैं देख लेता हूँ और अपनी पूरी वेबसाइट का कलर फिर वही रखूंगा। तो मैं गूगल पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ सीएसएस कलर्स, सीएसएस कलर्स मैंने लिख दिया और मैं इस लिंक पे आ गया। अच्छा एक कलर है मटेरियल डिजाइन कलर्स, वो काफी अच्छे होते हैं, तो मैं वो वाले आपको दिखाता हूँ मटेरियल डिजाइन कलर्स। इस वेबसाइट पे मैं आ गया, तो ये कलर्स यहाँ पे देखें आप, काफी सारे यहाँ पे नजर आएंगे आपको। तो इनमें से कोई सा भी एक कलर आप पिक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका हेक्स कोड भी मौजूद है, आप इनमें से कोई भी अच्छा सा उठा सकते हैं, या रेड उठा लें या फिर हम देखते हैं कौन सा हम लगाएं। ये आ गए, काफी सारे यहाँ पे कलर्स मौजूद है, तो मैं यूज कर लेता हूँ ये वाला कलर 700 वाला। तो मैं इसका कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने इसका कोड कॉपी करा और मैंने एक्वा की जगह वो वाला कलर यहाँ पे दे दिया। और जब मैं अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करूंगा तो देखें वो कलर अप्लाई हो जाएगा, तो ये कलर सही लग रहा है, तो यही वाला मैं यूज कर लेता हूँ। अब मसला क्या आ रहा है, अच्छा क्या नहीं लग रहा, जो मेरा मेरे जो लिंक्स का टैग है वो ब्लैक कलर है, अब मैंने रेड के ऊपर ब्लैक लगाया तो वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे लिंक का कलर कर देना चाहिए व्हाइट। तो मैं अपने लिंक का कलर व्हाइट किस तरह से करूंगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंक पे मैं आ जाता हूँ, मैंने क्या यूज करा हुआ है लिंक के लिए, ये रहा लिंक का टैग्स ए यूज करा हुआ है और इसकी जो क्लास है वो है नैव लिंक्स। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसकी क्लास कॉपी करी और स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट नैव लिंक कलर, मैंने कहा व्हाइट, ठीक है जी, मैंने कलर इसको व्हाइट दे दिया, मैंने रिफ्रेश करा। अब ये व्हाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले से इस पर ब्लैक कलर लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ भी एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क और इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे इंपॉर्टेंट दिया अब मैं आके पेज रिफ्रेश करूंगा तो वो कलर व्हाइट हो जाएगा, ये देखें ये व्हाइट हो गया। अच्छा ये टेक्स्ट मैं अभी हटा दूंगा, इसकी जगह मैं यूज करूंगा एक लोगो, ठीक है जी, ये टेक्स्ट मैं हटा के मैं यूज करूंगा लोगो। और ये जो मेरे लिंक से इसको मैं लेके आ जाता हूँ राइट साइड पे, राइट साइड पे देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है नेवर टेक्स्ट विद एन इनलाइन एलिमेंट, मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ और ये जो मेरे लिंक से मैं इसको राइट साइड पे लेके आ जाता हूँ। किस तरह से आऊंगा देखें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैं आ गया, ये देखें मेरे पास ये एक स्पैन है, सही है, और ये मेरे पास एक यूएल है, मैं इस यूएल को कॉपी करूंगा और स्पैन वाले टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी, फिर मैं आगे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये राइट साइड पे आ चुका है। और जो लेफ्ट साइड वाला लिंक है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, जो ऊपर वाला लिंक है इसकी मैंने सारी एलआई रिमूव कर दिए, ठीक है जी। अब मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, देखें लिंक मेरा राइट साइड पे आ गया, जिसमें होम है, फीचर है, प्राइसिंग है। अच्छा मैं अपने पेंट वाले उस पर आ जाता हूँ, मैंने क्या क्या लिंक बनाने का सोचा था, मैंने यहाँ पे बनाया था होम, मैंने बनाना था शॉप, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो मैं यही वाले लिंक यहाँ पे बना देता हूँ। होम यहाँ पे बना हुआ है, मैं दूसरे को कर देता हूँ शॉप, थर्ड वाले लिंक को मैं कर देता हूँ अबाउट अस, अच्छा इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, होम मैंने लिख दिया, शॉप मैंने लिख दिया अबाउट अस, और एक और मैं लिंक बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ठीक है जी। ये फोर मैंने लिंक बना लिए, पेंट में मैं देख लेता हूँ, पेंट में मैंने फोर ही बनाए थे, एक होम आ गया, एक शॉप आ गया, अबाउट अस आ गया और कॉन्टेक्ट अस, फोर लिंक मैंने बनाए थे और यहाँ पे एल आई में मैंने फोर लिंक लगा दिए। अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि ये फोर लिंक मुझे नजर आ रहा है या नहीं, ये आ गया। अच्छा ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा
हल्का सा नजर आ रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते तो काफी अच्छा लगेगा फिर दोबारा से। तो मैं सीएसएस की फाइल में आऊंगा, जहां पे मैंने कलर दिया था वहां पे मैं बोल्ड की भी प्रॉपर्टी एक देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बोल्ड हो गया। होम शॉप अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस, बिल्कुल क्लियर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है अच्छा हो गया। उसके साथ साथ मुझे लगाने थे राइट साइड पर, अच्छा पहले लोगो लगा देते, पहले हम लेफ्ट साइड पे लोगो लगा देते हैं और उसके बाद राइट साइड पे हम शॉप का आइकन लगाते हैं और अकाउंट का आइकन लगाते हैं। तो लोगो किस तरह से लगाएंगे, अभी मेरे पास लोगो मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, गूगल से कोई अच्छा सा लोगो उठाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैं आया गूगल पे, मैंने लिखा ऑनलाइन शॉप लोगो पीएनजी, पीएनजी लिख देंगे तो अच्छा होगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं होता, आपकी वेबसाइट पर अच्छा लगेगा। इनमें से मैं लोगो कौन सा लगाऊं जो मेरी वेबसाइट पे अच्छा लगे और जो मेरी नेव बार का कलर है उस पर भी बिल्कुल सही नजर आए। मैं लगा देता हूँ ये वाला शॉपिंग, ठीक है जी, ये वाला मैं लोगो लगा लेता हूँ शॉपिंग जिस पे लिखा हुआ है, या इसके अलावा भी आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। शॉपिंग वाला लोगो मैंने करा सेव इमेज है, और डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था ई कॉमर्स के नाम का, उस फोल्डर में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे एक और फोल्डर में बनाता हूँ इमेजेस। इमेजेस का मैंने फोल्डर बनाया और इस लोगो को मैंने इस फोल्डर के अंदर सेव कर दिया, ठीक है जी। अब ये स्कोर्ट में आ गया, देखें यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बन गया और यहाँ पे ये लोगो भी बन गया। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लोगो, ठीक है जी। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के अंदर इस लोगो को यूज करता हूँ। वहां पे हमने देखा था टेक्स्ट लिखा हुआ था नेव बार, ये देखिए नेव बार डब्ल्यू स्लैश टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर दूंगा और यहां पे मैं लगाऊंगा लोगो, ठीक है जी। मैं यहां पे आया, ये देखिए ये लिंक यहां पे नजर आ रहा है, ये रहा टेक्स्ट, मैंने इसको रिमूव करा, एक ही टेक के अंदर मैं आया, मैंने यूज करा इमेज का टेक आई एम जी, और एस आर सी के अंदर मैंने बोला इमेजेस स्लैश लोगो डॉट जेपीजी। अच्छा लोगो का साइज जो है काफी बड़ा है, देखें अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लगा दूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, अच्छा ये शायद जेपीजी है, तो हम लगा के देख लेते हैं, अगर इसका बैकग्राउंड आया तो हम हटा देंगे दूसरा लगा लेंगे, और अगर बिल्कुल प्रॉपर हमारी वेबसाइट पे लगा तो हम इसको यही वाला लगा रहने देंगे। मैंने रिफ्रेश करा तो हाँ देखें ये जेपीजी है, बिल्कुल सही कमेंट करके आपने मुझे बताया कि ये जेपीजी वाला हमने डाउनलोड कर लिया है। तो हम पीएनजी वाला करते हैं, कोई उसमें हमें नहीं, कोई उसमें विद में चाहिए जिसकी विद बड़ी हो, हम इसमें से कोई देखते हैं अच्छा सा लोगो दूसरा, ये शायद पीएनजी नहीं, ये भी पीएनजी नहीं है, तो पीएनजी हम कोई अच्छा सा देख के उठा लेते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम उठा लेंगे। ट्रांसपेरेंट लोगो आज नहीं मिल रहा, क्या हो गया, ये आ गया, ये ट्रांसपेरेंट है, ये वाला हम यूज कर लेते हैं। मैंने करा सेव इमेजेस और लोगो सेव, अच्छा पहले पुराना वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, इमेजेस में जाके मैंने डिलीट कर दिया, सही है, और मैंने ट्रांसपेरेंट वाला लोगो सेव कर दिया, ठीक है जी। ये ट्रांसपेरेंट लोगो है और इसको मैं अपनी वेबसाइट में लगा रहा हूँ। कोड में मैं आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा था लोगो डॉट जेपीजी और मैं कर देता हूँ यहाँ पे लोगो डॉट पीएनजी। जो ट्रांसपेरेंट अगर हो भी नहीं तो किसी को अगर फोटोशॉप वगैरह चलाना आता हो, या काफी ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं जिससे लोगो जो है हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन हमने ट्रांसपेरेंट ही उठा लिया। हम वेबसाइट पे हमने रिफ्रेश करा तो ये देखें यहाँ पे लोगो आ रहा है, लेकिन इसका साइज जो है वो काफी बड़ा है, साइज इसका काफी बड़ा है, तो इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या तो इसको मैं क्रॉप कर दूंगा। मैं अपने फोल्डर के अंदर आता हूँ, ये मेरा ई कॉमर्स का फोल्डर है, इमेजेस है, लोगों को मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ तो इसका साइज काफी बड़ा है,
मैं इसको क्रॉप कर दूंगा ताकि ये मेरे पास विड्थ इसकी बड़ी आ जाए और हाइट इसकी छोटी आ जाए। तो इसको क्रॉप करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से लगाते हैं। मैंने इसका जो हाइट है वो थोड़ी सी कम करी और मैंने इसकी नीचे से भी हाइट कम आ गया, और मैंने इसकी नीचे से भी हाइट कम कर दी और ऊपर से भी हाइट कम कर दी, ठीक है जी। और मैंने कर दिया सेव। जैसे ही मैंने सेव करा, रिफ्रेश करा, तो ये देखें अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ई कॉमर्स स्टोर हमारी वेबसाइट का नाम हो गया और राइट साइड पे इसके लिंक्स हमारे पास आ गए, ठीक है जी। लोगो बिल्कुल अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, इसका बैकग्राउंड भी नहीं है, जो कि हमारी नेवबार का बैकग्राउंड है वही यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब क्या रह गया, लोगो हमने लगा दिया। अच्छा अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव कि ये नेवबार रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिव किस तरह से हम चेक करेंगे, अपने ब्राउजर का साइज छोटा करेंगे। मैं अपने ब्राउजर का साइज छोटा करता हूँ और ये देखें मैंने बड़ा करा, ये लिंक आ रहा है। मैं जैसे ही छोटा करूंगा तो ये देखें लिंक यहाँ से हाइड हो जाएंगे और लिंक लिंक की जगह एक आइकन आ जाएगा। थोड़ा और छोटा करा, ये देखें लिंक चले गए, लिंक की जगह एक आइकन यहाँ पे आ गया। जब मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरे लिंक यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये बूट स्ट्रैप ने बनी बनाई हमें दी हुई है, इनके पीछे जावास्क्रिप्ट वगैरह भी लगी हुई है। तो जावास्क्रिप्ट भी हमने पढ़ी नहीं है तो इस वजह से हम बूट स्ट्रैप की बना रहे हैं। तो अच्छी मतलब अच्छी ही नंबर हमने बना ली है बूट स्ट्रैप को यूज करते हुए। मैंने इसको छोटा करा, मैं इसको जितना भी छोटा कर दूं ये मुझे रिस्पॉन्सिव नजर आएगी। मैंने थोड़ा सा और छोटा कर दिया, ये देखें मैं मोबाइल वाली स्क्रीन पर आ गया तो मेरा लोगो भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और मेरे मेन्यू भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगा, ये देखिए खुल गया। दोबारा से मैंने क्लिक करा, मेन्यू बंद हो गया। नेवबार बिल्कुल हमारी अच्छी बन गई है, ठीक है जी। बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे भी सही नजर आ रही है और वेब के ऊपर भी बिल्कुल सही नजर आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें एक ऐड करूंगा आइकन, जो मैंने आपको बताया था। मैं दो आइकन ऐड करूंगा, एक ऐड टू कार्ड वाला आइकन होगा, दूसरा अकाउंट वाला आइकन होगा। अब मैं आपको एक ऐसी लाइब्रेरी बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप वेबसाइट में आसानी से आइकन्स लगा सकते हैं, जो कि फॉन्ट ऑसम के नाम से। फॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी है जिससे आप आसानी से आइकन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉन्ट ऑसम, मैं यहाँ पे लिख के भी स्पेलिंग बता देता हूँ क्या है, फॉन्ट ऑसम, ठीक है जी। अच्छा ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन ऐड कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ड्रॉप डाउन ऐड कर देते हैं। मैं बूट स्ट्रैप पे दोबारा से आ गया, बूट स्ट्रैप में मैंने देखा ड्रॉप डाउन वाली नेवबार होगी, ऊपर में आ गया तो ये देखें ड्रॉप डाउन, मैंने ड्रॉप डाउन लिंक वाला कॉपी करा, मैंने एल आई यहाँ से कॉपी कर लिया। ये देखें जिस तरह से एल आई हमने लगाए हुए, उस पर हमने होम शॉप अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस वगैरह लगाए हुए, इस तरह से यहाँ पे एल आई मौजूद है जिसकी क्लास यहाँ पे बूट स्ट्रैप में दी हुई ड्रॉप डाउन। क्लास क्या दी हुई, ड्रॉप डाउन। मैंने इस एल आई को कॉपी करा और मैं अपनी वेबसाइट में जाके शॉप की जगह इसको रिप्लेस कर दूंगा, जो मेरा शॉप वाला लिंक है उसको मैं हटा दूंगा और उसकी जगह ड्रॉप डाउन लगा दूंगा। ड्रॉप डाउन लिंक की जगह मैं लिखता हूँ शॉप और लिंक के अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पे ठीक है जी मेंस क्लॉथ, और यहां पे मैं लिख देता हूं वुमेन क्लॉथ, और एक एक्स्ट्रा ये मैं हटा देता हूं कि मुझे अभी दो ही चाहिए तो मैंने ये लगा दिया। तो ये ड्रॉप डाउन मैंने लगा दिया है और मैं आता हूँ वेबसाइट पे, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें शॉप पे मेरे पास ड्रॉप डाउन बना हुआ आ रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिव भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने इसको मोबाइल साइज बनाया, छोटा करा मैंने इसको, ये देखें बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने इसको खोला, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मेरा चलेगा। मैंने शॉप पे क्लिक करा तो ये देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बिल्कुल प्रॉपर मेरा आ रहा है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन, जिसमें काफी सारे ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन होते हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन होते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने ये एक ड्रॉप डाउन बनाया, अब मैं चाहूँ तो मैं दोबारा से इस एल आई को कॉपी करूँ और यहाँ पे लगा दूँ, ये एक और लेवल का ड्रॉप डाउन बन जाएगा। या अगर आपको बना बनाया कुछ ऐसा चाहिए तो आप गूगल पे लिखेंगे बूट स्ट्रैप मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन मेन्यू,
ठीक है जी, मैंने लिखा बूटस्ट्रैप मल्टी लेवल नेवबार, पहले वाले लिंक पे मैं आया तो ये देखें यहाँ पे बनी बनाई आपको मिल जाएगी। ये मैं आ गया इसमें, ये मल्टी ड्रॉप डाउन में मैं आया, नीचे वाले ड्रॉप डाउन में आया तो देखें ये मल्टी ड्रॉप डाउन नेवबार यहाँ पे आपको बनी बनाई मिल गई है। तो मैं इसका कोड भी कॉपी कर सकता हूँ या मैं इसको खुद से भी बना सकता हूँ, कोई इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे इमेज वगैरह भी आ रही होती है, कुछ एनिमेशंस भी आ रही होती है, वो सारा काम आगे का है, जावास्क्रिप्ट वगैरह से हुआ हुआ होता है। तो अभी हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है, हमने एक सिंपल सी नेवबार बना ली और एक ड्रॉप डाउन उसमें ऐड कर दिया मेंस क्लोथिंग और दूसरा उसमें हमने ऐड कर दिया वुमेन क्लॉथ। इसके अलावा भी अगर मुझे करना है तो मैं मेंस के अंदर भी एक और ड्रॉप डाउन बना दूं, वुमेन्स के अंदर भी एक और ड्रॉप डाउन बना सकता हूं, ठीक है जी। हाँ फुल विथ ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं आप, बूटस्ट्रैप का देख लें, फुल विथ ड्रॉप डाउन भी आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि हमें ऐड करने थे आइकन्स, आइकन्स के लिए मैंने एक लाइब्रेरी आपको बताई थी फॉन्ट ऑसम के नाम से। मैं जाता हूँ फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर, मैंने लिखा फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ठीक है जी। किस तरह से ये ऐड होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम आइकन्स, यहाँ पे काफी सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे। फॉन्ट ऑसम में अकाउंट नहीं मांग रहा है, आप फोन ऑसम आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये देखें काफी सारे यहाँ पे आइकन्स आपको नजर आएंगे, यहाँ पे आप मैं लिखूंगा शॉप तो यहाँ पे शॉप के आइकन्स नजर आ जाएंगे। तो ये देखें ये कार्ड भी मेरे पास आ गया है, काफी सारे मतलब शॉप से रिलेटेड आइकन्स यहाँ पे आ गए। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजर तो यूजर से रिलेटेड आइकन्स आ जाएंगे, ये सारे यूजर्स वगैरह आ गए। इसको यूज किस तरह करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। इसको यूज इस तरह करते हैं जिस तरह से हम बूटस्ट्रैप की सीएसएस लगाते हैं, तो इसकी भी एक बनी बनाई सीएसएस की फाइल होती है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे W3 स्क्रॉल होगा, यहाँ पे हमें वो फाइल मिल जाएगी। फॉन्ट ऑसम आइकन इन HTML मैंने लिखा, ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे आप आएंगे इस वेबसाइट पे, ये रहा लिंक, लिंक के अंदर इसने फाइल दी हुई है फॉन्ट ऑसम डॉट मेन डॉट जेस। ये जो लिंक है ये आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल है, काफी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये लिंक जो है कमेंट कर देते हैं, या ये लिंक मैं आपको पोस्ट में डाल भी देंगे क्लास के एंड में, तो ये लिंक मैं लगा लूंगा। ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी करा, बासित ये लिंक कमेंट भी कर देंगे अभी, तो आप सबको आसानी से ये लिंक मिल जाएगा। और जहां पे मैंने बूटस्ट्रैप को लिंक कराया था वहीं पर ही मैं इस लिंक को कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरे पास आ गया फॉन्ट ऑसम मेन डॉट सी एस एस। जिस तरह से हम बूटस्ट्रैप डाउनलोड करके लगा सकते हैं, इसी तरह से हम फॉन्ट ऑसम भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिंक लगाया, अगर मैं लिंक लगाना नहीं चाह रहा तो मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा, मैं इस लिंक को कॉपी कर लूंगा और वेब के अंदर आऊंगा, पेस्ट करूंगा, ये सारी इसकी सी एस एस मुझे नजर आ रही है, ये इतनी बड़ी इसकी सी एस एस है। मैं इसको कॉपी करूंगा और अपनी सीएसएस की फाइल में इसको लगा लूंगा, ठीक है जी। फॉन्ट ऑसम काफी अच्छे आइकन से वेबसाइट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, काफी जगहों पे यूज होते हैं। आपने सिलानी का पेज बनाया होगा, वहां पे काफी आइकन्स होंगे, आपने क्या करा होगा, आइकन्स की जगह आपने इमेजेस लगा दी होंगी, इमेजेस का जो साइज है वो बड़ा होता है, इस वजह से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आइकन्स यूज करते हैं ताकि वेबसाइट का साइज भी कम हो और वेबसाइट लोड जल्दी हो, ठीक है जी। ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है और लगा दिया है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आइकन लिस्ट के ऊपर कि कहाँ से मैं आइकन्स देखूंगा। मैं आया, मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन्स पे गया, सही है जी। तो ये देखें यहाँ पे काफी सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे, fontawesome.com/icon, ये लिंक मैं लिख के भी दिखा रहा हूं, फॉन्ट ऑसम .com/icons, ठीक है जी। फॉन्ट ऑसम डॉट कॉम स्लैश आइकन्स पे मैं चला गया और ये लिंक मेरे पास खुल गया। यहाँ पे आपको हजारों आइकन्स मिल जाएंगे, जो भी आपको यूज करना हो, आपको शॉप वाला यूज करना हो, आपको शिपिंग कार वाला को यूज करना हो, या कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आइकन नजर आ जाएगा।
ये लगेगा किस तरह से ये मैं आपको बताता हूँ। अभी हमें कौन सा आइकन लगाना है, यहाँ पे कार्ट वाला लगाना है, जो आपने देखा होगा शॉपिंग वेबसाइट में छोटा सा कार्ट ऊपर बना हुआ नजर आ रहा होता है, तो वो आइकन लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्ट, या तो मैं कार्ट लिख दूं या तो मैं शॉप लिख दूं। तो देखें ये कार्ट के इसने आइकन दिखाती है, ये प्लस वाला आ रहा है, ये एरो वाला आ रहा है और ये सिंपल आ रहा है। तो मैं इस सिंपल वाला उठाता हूँ, मैंने सिंपल वाले पे क्लिक करा और इसने यहाँ पे इसके डिफरेंट साइजेस मुझे दिखा दिए कि ये साइज में ये लग सकता है। इसका साइज मैं चाहूँ तो बड़ा कर दूँ, कोई पिक्सलेट नहीं होगा, पिक्सल इसके नहीं फटेंगे क्योंकि ये आइकन है। और इसको लगाएंगे किस तरह से, आपको याद होगा आपने HTML में यूज करा था आई का टैग। आई का टैग ओपन करेंगे, आई का टैग क्लोज करेंगे, देखें मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ये नजर आ रहा, आई का टैग यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको हम कॉपी करेंगे और ये आइकन अपनी वेबसाइट में हम लगा लेंगे। मैंने इसको कॉपी करा, मैंने इसको कॉपी कर लिया और अच्छा क्लिक करेंगे इस पे, क्लिक पे भी कॉपी हो रहा है, मैंने क्लिक करा कॉपी हो गया। मैं आ गया अपने कोड के अंदर, ठीक है जी, कोड के अंदर मैं आ गया, यहाँ पे जो आखिरी वाला लिंक था मैंने यहाँ पे एक और लिंक ऐड करा, मैंने इसी को नीचे ऐड कर लिया और कॉन्टेक्ट अस की जगह मैंने अपना लगा दिया आइकन। जो मैंने फाउंड ऑसम की वेबसाइट से आइकन कॉपी करा वो मैंने इस लिंक के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये आइकन टैग लगा दिया और जब मैं अपनी वेबसाइट पे आके देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये आइकन मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लिंक शायद हमने गलत लगा दिया है। लिंक हम देख लेते हैं हमारे पास सही लगा है या नहीं। फॉन्ट असम 4.7.0। अच्छा वर्जन का भी इश्यू आ सकता है, देखिए मैंने 4.7.0 यहाँ पे लगाया हुआ है, तो जहां से मैं आइकन उठाऊंगा वहां पे 4.7.0 ही लाजमी होना चाहिए। मैं बैक आ गया और मैंने गूगल पे आया, मैंने लिखा यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन लिस्ट, अच्छा एक दो लिंक्स आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ ये आ गया। अच्छा जो मैंने वर्जन लगाया हुआ है 4.7.0, ये मैं आपको दोबारा से URL बता देता हूँ, मैंने लिखा fontawesome.com /version4.7.0/icons, ये आप लिख देंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। इस वर्जन के जो जो आइकन से ये आपको सामने नजर आ जाएंगे और आप यूज कर लेंगे, चाहिए जी। 4.7.0 पे आपको जाना है /icons। यहाँ पे काफी सारे आइकन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें से आप आइकन्स यूज करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कार्ट, सही है जी, ये आगे शॉपिंग कार्ट, मैंने इसको सेलेक्ट करा, इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया और मैं अपनी वेबसाइट पे अब आके देखता हूँ तो ये आइकन मुझे नजर आ जाएगा, ठीक है जी। ये शॉप का आइकन बना हुआ नजर आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा आ रहा है, इसको मुझे बड़ा करना है। ये देखें यहाँ पे राइट साइड पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये काफी छोटा आइकन बना हुआ नजर आ गया। इसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे मौजूद हैं, बस ये वाला लिंक आप सेंड कर दें कमेंट में ताकि सबको ढूंढने में आसानी हो जाए। fontawesome.com version 4.7.0 आइकन /icon, ठीक है जी, ये छोटा नजर आ रहा है। अब इसको मुझे बड़ा करना है तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं इसको CSS के जरिए स्टाइल दे सकता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा तो ये आइकन बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जो क्लास है फास्ट शॉपिंग कार्ट, मैं इसको कॉपी करता हूँ, फास्ट शॉपिंग कार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी CSS की फाइल के अंदर मैं आ जाता हूँ। और अच्छा इसकी क्लास भी होती है कि फा के बाद हम पिक्सल लिख सकते हैं, इसकी क्लास भी हम यूज कर सकते हैं और इसको हम अपनी मर्जी से साइज भी दे सकते हैं। अच्छा क्लास यहाँ पे अभी शायद मुझे नज़र ही नहीं आ रही, हम देखे देख लेते हैं फा, मुझे कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं तो हम देख लेते हैं फा 5x, तो इसका देखते हैं हम साइज में फर्क आ रहा है या नहीं। नहीं काफी बड़ा आ गया और इसने जो आइकन है वो गायब कर दिया, क्योंकि ये जो आपने देखा होगा ये पुराने वर्जन का होगा, तो हम इसको अपने तरीके से बड़ा करेंगे। मैंने क्या करा, फा शॉपिंग कार्ट ये वेबसाइट मैंने कॉपी करी, ये वेबसाइट बोलना सॉरी, ये क्लास मैंने कॉपी करी अपनी CSS की फाइल के अंदर आके, मैंने इस क्लास को पेस्ट करा और मैंने यहाँ पे बोला फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ठीक है जी।
32 पिक्सल मैंने इसको करा, मैं वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नहीं बड़ा हुआ, मैंने यहाँ इसको दे दिया इम्पोर्टेंट, मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखें बड़ा हो गया। ठीक है जी, ये कार्ड का आइकन हमने लगा दिया और इसके साथ साथ हम लगा लेंगे एक अकाउंट का, यूजर अकाउंट का आइकन। तो मैं आइकन लिस्ट पर आ जाता हूँ, दोबारा से बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूजर। सही है जी, यूजर का आइकन मैं सर्च करा तो इनमें से मैं कौन सा लगाऊँ, ये सर्कल वाला मैं लगा लेता हूँ, ये वाला मैंने क्लिक करा, इसका मैंने कोड कॉपी करा नीचे से, इसका मैंने कोड कॉपी कर लिया और इसी तरह से मैंने एक और लिंक यहाँ पे क्रिएट करा, जिस तरह से मेरे पास ये लिंक LI है, मैंने LI को कॉपी करा और ऊपर पेस्ट कर दिया और मैंने इस लिंक को कॉपी करा यूजर के आइकन के और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ मेरे पास यूजर का आइकन नजर आ रहा है या नहीं। अच्छा, यूजर का आइकन भी छोटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यूजर के आइकन को भी CSS में स्टाइल करके बड़ा कर देंगे। तो मैं यूजर वाली क्लास भी कॉपी कर लेता हूँ, फा यूजर सर्कल ओ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और जहां पे मैंने शॉपिंग कार्ट का आइकन का साइज बड़ा करा है वहां पे मैं इसको भी टारगेट कर देता हूँ। मैंने कॉमा लाया, कॉमा हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें टाइप सेलेक्ट करनी हो, मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल टैग्स हमें सेलेक्ट करने हो तो हम CSS में कॉमा लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों का साइज एक बराबर कर दिया, मैंने रिफ्रेश करा। अच्छा, इस पे ये अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, शायद अलग से लगाना पड़े। अच्छा, डॉट मैंने नहीं लगाया था क्लास के आगे, डॉट मैंने लगा दिया, मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखें दोनों का साइज बिल्कुल सेम आ गया, यूजर आइकन हमारे पास बना हुआ आ गया और यूजर के साथ साथ हमारे पास कार्ड वाला आइकन भी बना हुआ आ गया। मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसकी रिस्पॉन्सिव चेक कर लेता हूँ कि मोबाइल पे बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं, मोबाइल पे बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं। मैंने इसका साइज छोटा करा, ये देखें मैंने इसको बड़ा करा, ये आइकन आ रहा है, मैंने इसको छोटा करा तो मेरे जो आइकन से वो भी गायब हो गए और जो मेरे लिंक से वो भी गायब हो गए। मैं खोल के देखूंगा तो यहाँ पे आइकन भी आ रहे हैं और लिंक्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव मेरी वेबसाइट अभी तक चल रही है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा, नेवबार बिल्कुल सही चल रही है। हम आ जाते हैं अपने पेंट में, पेंट में हम देख लेते हैं लोगो हमने लगा लिया है और लोगो। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ये नहीं कि बस भाग जाऊं समझ में ना आए, बता बता के चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा हमें फास्ट जाना होगा क्योंकि टाइम कम है। स्लाइडर में लगा लूंगा, कार्ड में अच्छा स्लाइडर तो आप सबने लगा के देख लिया होगा मेरे ख्याल से, सिलानी की वेबसाइट में आपने स्लाइडर लगाया होगा या अभी आपने ज्यादातर लोगों ने वेबसाइट बनाई है उसमें स्लाइडर लगाया होगा। अच्छा, हॉवर इफेक्ट वगैरह जो भी आप लोग प्रॉपर्टीज मुझे बता रहे हैं, टेक्स्ट शेडो वगैरह आती मुझे सब है, मैं इस वजह से नहीं लगा रहा, अगर मैं लगाने बैठ गया तो ये नेव बार के अंदर अंदर पूरी क्लास हमारी निकल जाएगी। इसको मैं और ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसके हॉवर पे इसका कलर चेंज कर दूँ, हॉवर पे इसको अंडरलाइन कर दूँ, क्या क्या मैं इसमें कर सकता हूँ, काफी चीजें मैं इसमें कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं तो सिंपल सी मैं एक चीज बना के थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूंगा, ताकि हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम लेआउट बनाना सीख जाएं और मोबाइल फ्रेंडली बनाना सीख जाएं। बाकी इसमें अगर होवर लगाना हो वो आप खुद लगा सकते हैं, अगर इसमें आपको कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो सब आप खुद कर सकते हैं। अब मैं लगाता हूँ स्लाइडर, स्लाइडर में लगाऊंगा, स्लाइडर आप सबको पता होगा बोर्ड स्टेप में हमारे पास मौजूद है, क्रॉसल के नाम से यहाँ पे क्रॉसल मैंने सेलेक्ट करा और मैंने क्या कहा था, स्लाइडर पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी होगा, स्लाइडर हो और स्लाइडर के ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट भी मौजूद हो, तो मैं देखता हूँ इस तरह का कोई स्लाइडर मुझे मिल जाए कि स्लाइडर भी हो और उसके ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट भी हो, क्योंकि आपने ज्यादातर वेबसाइट में देखा होगा स्लाइडर लगा हुआ होता है उसके ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ होता है। मैं नीचे आया, देखें ये फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड, थोड़ा सा नीचे आया, ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट भी मौजूद है, ये वाला लगा लेते हैं, इसमें टेक्स्ट भी मौजूद है, सेकंड स्लाइड थर्ड स्लाइड और टेक्स्ट भी आ रहा है और स्लाइडर भी हमारे पास आ रहा है, ये वाला हम लगा लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, या तो राइट साइड से आप बटन से कॉपी कर लें या फिर पूरा कोड कॉपी कर लें। मैंने इसको कॉपी करा और अपनी वेबसाइट में आके लगा दिया, मैं यहाँ पे आया, मैंने नेव बार के अंदर, अच्छा एक डिव में बना लेता हूँ पहले, डिव के अंदर मैं नेव बार भी रख देता हूँ और स्लाइडर भी रख देता हूँ। ठीक है जी, स्लाइडर का कोड मैंने कॉपी करा और मैंने नेव बार के नीचे, नेव बार क्या थी मेरी ऊपर थी, नेव बार के नीचे मैंने स्लाइडर का कोड पेस्ट कर दिया। अच्छा, स्लाइडर अभी नजर नहीं आएगा, क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसमें इमेजेस देनी पड़ेंगी। अब इमेजेस किस तरह से उठाई जाए, इमेजेस आए हम गूगल से उठा लेते हैं, सेम साइज की कोई मिल जाए,
तो सेम साइज की मैं इमेजेस उठा लेता हूँ। मैं आया गूगल पे, मैंने यहाँ पे लिखा शॉपिंग, नहीं मैं लिख दिया दराज। दराज की हम इमेजेस उठा लेते हैं। दराज ने जो अपने स्लाइडर पे लगाई हुई है हम उसकी कॉपी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि हम ये अभी प्रोफेशनल नहीं बना रहे, हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम कोई भी इमेजेस उठा सकते हैं। तो ये वाली इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं इसको करता हूँ ओपन इन इमेज न्यू टैब। ये इमेज यहाँ पे आ गई, मैंने इसको करा कॉप सेव इमेज, सेव इमेज करा मैंने अपने फोल्डर के अंदर, और इसका नाम मैंने रख दिया स्लाइडर वन, सेव कर दिया। ठीक है जी, ये एक स्लाइड मेरे पास सेव हो गई। उसके बाद ये वाली स्लाइड भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कहा सेव इमेजेस, इसका नाम मैंने रख दिया स्लाइडर टू। ठीक है जी, और ये वाली इमेज भी मैं उठा लेता हूँ, स्लाइडर थ्री के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है जी, तीन इमेजेस मैंने उठा ली हैं, और यही वाली इमेजेस मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देता हूँ। मैं आ गया स्लाइडर जहाँ पे मैंने लगाया था वहाँ पे, और ये SRC के अंदर जो है मैं यहाँ पे दे दूंगा इमेजेस, इसे मैं दे दूंगा स्लाइडर वन डॉट जेपीजी। मैं नीचे आऊंगा दूसरी वाली स्लाइड में, मैं दे दूंगा इमेजेस स्लाइडर टू डॉट वेब पी। अच्छा, वेब पी भी एक इमेज की टाइप है, तो वेब पी भी चल सकती है, कोई इशू नहीं है। इशू आएगा तो हम PNG वगैरह फिर दूसरी लगा लेंगे, लेकिन ये भी चल जाएगी इमेजेस स्लाइडर थ्री। अच्छा, ये मैंने इस वजह से उठा ली क्योंकि दराज ने जो बनाई हुई वो सब अच्छी सी इमेजेस हैं, सबके साइज भी सेम है, तो कोई इशू नहीं आएगा। वरना आप सेम साइज की इमेजेस गूगल से ढूंढ के उठा सकते हैं। अभी मैंने इसलिए नहीं ढूंढी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वरना आप लोग ढूंढ के अच्छी सी इमेजेस उठा सकते हैं। तो मैं आया, मैंने रिफ्रेश करा, तो ये देखें स्लाइडर यहाँ पे नजर आ गया। ये फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ रही है, मैंने आगे करा सेकंड स्लाइड यहाँ पे आ गई, मैंने आगे करा ये थर्ड स्लाइड यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, और टेक्स्ट भी यहाँ पे नजर आ रहा है, टेक्स्ट भी नजर आ रहा है और स्लाइड भी नजर आ रही है। अब हम इस स्लाइडर की रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो मैं इसका साइज दोबारा से कम करता हूँ, तो ये देखें ये फुली रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि हमने बूट स्टेप से लगाया है तो ये रिस्पॉन्सिव है, इस कट नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, पूरा रिस्पॉन्सिव हमें नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ हम मेन्यू भी खोल के देखेंगे तो मेन्यू भी खुल रहा है, मेन्यू भी खुल रहा है और स्लाइडर भी हमें नजर आ रहा है। अच्छा, ये ऑटो भी चल रहा है, आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये ऑटो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा देगा, और इसके अलावा आप क्लिक करके भी नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो ये LCD हमने भेज दी है, और इसके अलावा कुछ शैम्पू हमने भेज दिए हैं, और दोबारा से गेमिंग वगैरह का सामान। अच्छा, अब क्या रह गया, अब हमें पेंट पे दोबारा आ जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। हमें तीन कार्ड्स बनाने हैं, कार्ड्स किस तरह से बनाने हैं, एक फ्री शिपिंग का बनेगा, एक 24/7 सपोर्ट का बनेगा, और एक बनेगा ऑटो। इस कैसे चलेंगी, बूट स्टेप की एक स्लाइड है जो कि ऑटो है। अच्छा, ये वाली जो हमने उठाई है ये भी ऑटो ही है, इस पे टाइमर वगैरह पीछे लगा हुआ है, हमें अगर हम इसको टच नहीं करेंगे तो ये खुद चलती रहेगी। अगर ये वाली अगर ऑटो नहीं है तो आप देखें मैंने इसको चेंज नहीं करा, ये खुद चेंज हो गई, ये ऑटो चल रही है। इसके पीछे एक टाइमर सेट हुआ हुआ है, उस हिसाब से ये खुद स्लाइड चेंज होती रहेगी, ऑटो चलेगी। तो ये बनी बनाई हमें बूट स्टेप ने दिए। तो अब हम वो तीन कार्ड लगा लेते हैं जो कि हमने पेंट पे बनाए थे, फ्री शिपिंग, 24/7 सपोर्ट और बेस्ट क्वालिटी। ये किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि हमें इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है कि मोबाइल पे फुल भी आए, जब हम लैपटॉप वगैरह पे खोलें तो एक लाइन के अंदर तीन कार्ड आए, तो ये किस तरह से बनाएंगे आइए देखते हैं। मैं आ जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, लेआउट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, लेआउट के ऊपर आके मैं आ जाता हूँ ग्रिड। अच्छा, ग्रिड सिस्टम आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको, ये काफी आसान है और काफी अच्छा है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। इसमें तीन से चार साइजेस हैं, बल्कि पांच है, एक ही हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल जो कि मोबाइल से भी छोटी स्क्रीन आ जाती है, छोटे मोबाइल होते हैं उसमें एक्स्ट्रा स्मॉल चलता है। उसके बाद है हमारे पास स्मॉल, फिर है हमारे पास मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, कुछ लोगों का मेरे पास इनबॉक्स में मैसेज आया था, सर हमें पता कैसे चलेगा कि मीडिया क्यूरी में किस स्क्रीन का साइज हम डिटेक्ट करें। तो आप बूटस्ट्रैप से भी देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे बता रहा है कि अगर साइज 576 पिक्सल से कम होगा तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल कहलाएगी, मतलब छोटे मोबाइल कहलाएंगे। अगर साइज 576 पिक्सल से बड़ा होगा तो वो स्मॉल साइज कहलाएगा। ठीक है जी,
इसी तरह से अगर मीडियम साइज हमें देखना हो तो वो होगा 768 पिक्सल से ऊपर, 768 पिक्सल से ऊपर जो भी साइज होगा वो कहलाएगा मीडियम डिवाइस। मीडियम डिवाइस का जो साइज है वो ये है। इस तरह से लार्ज डिवाइस का साइज है 992 पिक्सल और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस का साइज है 1200 पिक्सल। तो इससे हम मीडिया क्यूरी भी लगा सकते हैं। अगर हम बोर्ड शेप यूज ना करें तो हम ये चीजें देख के मीडिया क्यूरी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि सर बोर्ड स्ट्रेप और मीडिया क्यूरी दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बोर्ड स्ट्रेप से पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कर दी, उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है, थोड़ा सा आपका टेक्स्ट कट रहा है, आपका इमेज का साइज बड़ा हो गया, इमेज का साइज छोटा हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको मीडिया क्यूरी से कंट्रोल कर लेंगे। मीडिया क्यूरी से कंट्रोल कर लेंगे तो आप मीडिया क्यूरी बोर्ड स्ट्रेप दोनों के जरिए आप वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो मैं नीचे आऊंगा तो ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी कुछ दी हुई है। ऑटो लेआउट कॉलम, यहाँ पे इन्होंने वन ऑफ टू, टू ऑफ टू, एक उन्होंने ऊपर दो कॉलम बनाए हुए हैं, नीचे तीन बनाए हुए हैं, ठीक है, और उसके नीचे। अच्छा, ये काम हम फ्लैक्स से भी कर सकते हैं, फ्लैक्स मैंने आपको बताया था, याद होगा, ये काम हम फ्लैक्स से भी कर सकते हैं और बोर्ड स्टेप से भी कर सकते हैं, जो कि ये तीन कार्ड है ना, ये फ्लैक्स से भी कर सकते हैं और बोर्ड स्टेप से भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि हम फ्लैक्स से करें या बोर्ड स्टेप से करें। जो चीज आपको मतलब अभी समझ नहीं रहती हो कि फ्लैक्स आपको अगर अच्छी तरह आ गया हो तो हम बोर्ड स्टेप से करते हैं, अगर आपको बोर्ड स्टेप का लेआउट अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो हम इसको फ्लैक्स से करते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं इसको फ्लैक्स से बनाएं, इसको और प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स भी फ्लैक्स से बन सकते हैं और ये वाले कार्ड भी फ्लैक्स से बन सकते हैं। अच्छा, फ्लैक्स के हमारे पास ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो हम फ्लैक्स से बना के इसको देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि बोर्ड स्ट्रेप में देखिए इतना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, क्यों बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोड आपके पास बना बनाया पड़ा हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे तीन कॉलम वाला कोड देखा, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और बना दूंगा। बड़ी बात फ्लैक्स में ही है, क्योंकि फ्लैक्स में किस तरह से उसको मैनेज करा जाए। अच्छा, अब बोर्ड स्ट्रेप के ज्यादा कमेंट आना शुरू हो गए और फ्लैक्स के भी आ रहे हैं, तो एक काम मैं करता हूँ, क्या मैं ये जो तीन कार्ड है ना पेन के अंदर, ये जो तीन कार्ड है ये फ्री शिपिंग वाला है और 24/7 सपोर्ट वाला है और बेस्ट क्वालिटी वाला है, इसको मैं बना देता हूँ फ्लैक्स से, ठीक है, इसको मैं फ्लैक्स से बना देता हूँ और बाकी नीचे जो प्रोडक्ट्स है इसको हम बनाएंगे बोर्ड स्टेप से, ठीक है। तो दोनों चीजें हम कवर कर लेंगे इसमें, दोनों चीजें कवर कर लेंगे, ऊपर वाले कार्ड हम बना देंगे फ्लैक्स से और नीचे वाले प्रोडक्ट्स हम बना देंगे बोर्ड स्टेप से। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आ गया अपने वेबसाइट के अंदर जहां पे मेरा स्लाइडर खत्म हो रहा है। अच्छा, ये बात आप याद रखा करें कि आप जब काम करते हैं ना तो आपको कोड का पता होना चाहिए। जब मैंने स्लाइडर लगाया, अब स्लाइडर खत्म कहां हो रहा है, स्लाइडर का डिव ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये स्लाइडर का डिव है, ये स्लाइडर का डिव है, इसका क्लोजिंग टैग देखें आप कहां पे, इसका क्लोजिंग टैग ये है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्लाइडर के बीच से काम स्टार्ट कर देते हैं। अब मुझे कार्ड बनाना है, अब डिव इसका यहां पे बंद हो रहा है, मैं शुरू कर दूं यहां पे कार्ड बनाना, तो इससे पूरा जो हमारा लेआउट है वो खराब हो जाएगा, पूरा लेआउट खराब हो जाएगा, इससे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, ये आपकी गलती होती है। तो आप इस चीज को लाजमी देखें कि आपका स्लाइडर यहां पे खत्म हो रहा है इस डिव के ऊपर, और आपको जो दूसरा काम स्टार्ट करना है वो इस डिव के बाद करना है। मैं इस डिव के नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे एक और डिव बना लिया, इस डिव को मैंने क्लास दे दी, इस डिव को मैंने क्लास दे दी कार्ड, कार्ड मैंने इसको क्लास दे, बल्कि कार्ड बोर्ड शेप की क्लास है, मसला ना हो जाए, इसको मैंने क्लास दे दी मैन कार्ड, मैन कार्ड मैंने इसको क्लास दे दी। इसके अंदर मैंने तीन डिव और बना लिए, एक डिव हमारे पास आ जाएगा किसका, यहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम हमने बनाए ना, फ्री शिपिंग का, 24/7 सपोर्ट का और बेस्ट क्वालिटी का, सही है भाई, यहाँ पे तीन डिव आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे तीन डिव बना लेता हूँ, एक डिव आ गया, ये दूसरा डिव आ गया, और उसके बाद तीसरा डिव आ गया, तीन डिव मैंने बना लिए, तीन डिव मैंने यहाँ पे बना लिए, एक फ्री शिपिंग, दूसरा हमारे पास 24/7 सपोर्ट
और तीसरा हमारे पास बेस्ट क्वालिटी। तीन डिव मैंने बनाए, पहले मैं इस डिव को डिजाइन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास दे दी कार्ड वन, नीचे वाले को मैंने क्लास दे दी कार्ड टू, थर्ड वाले को मैंने क्लास दे दी कार्ड थ्री। ठीक है जी, तीन कार्ड मैंने बना लिए, कार्ड वन, कार्ड टू और कार्ड थ्री। अब इसमें है क्या क्या, एक इसमें हमें लगाना है आइकन, दूसरा इसमें हमें लगाना है टैक्स। तो मैं क्या करूंगा, इस डिव के अंदर दो डिव और बनाऊंगा, दो डिव और बना। अच्छा, जितना भी लेआउट है ना हमारा सारा डिव से बनता है, डिव हम यूज करेंगे जितने उतना हमारा फायदा है। तो कार्ड वन में मैं एक डिव बना देता हूँ आइकन के लिए, दूसरा डिव में बना देता हूँ टैक्स के लिए। आइकन यहाँ पे कौन सा लगाएं, फ्री शिपिंग का ट्रक वगैरह लगा हुआ होता है मेरे ख्याल से, तो हम सर्च कर लेते हैं ट्रक का आइकन, या फ्री शिपिंग हम लिखते हैं, देखते हैं शायद कोई आइकन हमें अच्छा मिल जाए। नहीं, आइकन हमें नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रक। हाँ, ट्रक ये वाला लगा देते हैं, फ्री शिपिंग, ये अच्छा लगेगा ट्रक वाला, फ्री शिपिंग के ऊपर। मैंने ट्रक वाला आइकन सेलेक्ट कर लिया और मैं नीचे आया, मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया, ऊपर मैंने आइकन वाले इसमें ये लगा दिया। सही है जी, और इस आइकन का साइज और टेक्स्ट में मैंने लिख दिया, इसमें मैं लिखता हूँ H3 फ्री शिपिंग। टेक्स्ट में मैं लिख दिया फ्री शिपिंग, और ऊपर वाले डिब में मैं लगा दिया ट्रक का आइकन। अब इसको चला के देखते हैं किस तरह से मुझे नजर आ रहा है। मैं वेबसाइट पर आया, मैंने रिफ्रेश करा, तो ये देखें ये ट्रक का आइकन बना हुआ आ रहा है और फ्री शिपिंग नजर आ रहा है। अब पहली बात, मुझे जो ट्रक वाला आइकन है इसका साइज बड़ा करना है, तो मैं कर देता हूँ किस तरह, मैंने फाट ट्रक कॉपी करी, सीएसएस में आया, मैंने यहाँ पे टारगेट करा इसको फाट ट्रक की क्लास को, मैंने इसका फॉन्ट साइज दे दिया 42 पिक्सल। रिफ्रेश करा, नहीं बड़ा हुआ, इम्पोर्टेंट हम लगा देते हैं। रिफ्रेश करा तो ये देखें थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है जी, इतना सही है, फ्री शिपिंग टैक्स लिखा हुआ आ गया और ट्रक का आइकन बना हुआ आ गया। अब इसको सेम लाइन में कैसे आया जाए, ट्रक अलग लाइन में आ रहा है, फ्री शिपिंग अलग लाइन में आ रहा है, इसको मुझे ट्रक लेफ्ट साइड पे लाना है और फ्री शिपिंग राइट साइड पे लाना है, तो मैं किस तरह से लाऊंगा देखते हैं। मैंने जो कार्ड वन को क्लास दी हुई है कार्ड वन, इस क्लास को मैं कॉपी करूंगा, सीएसएस में मैं आ जाऊंगा डॉट कार्ड वन। मैंने आपको फ्लेक्स में बताया होगा, आपको याद होगा कि एक लाइन में किस तरह से लाया जाता है, ये आपको याद होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, दोनों आमने सामने आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे ट्रक आ जाएगा, राइट साइड पे टैक्स आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करा तो ये देखें फ्री शिपिंग राइट साइड पे चला गया और ट्रक जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया। अच्छा, थोड़ा सा कार्ड को भी स्टाइल हम दे देते हैं, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, इसको बल्कि हाइट भी दे देते हैं, थोड़ी सी विद मैंने इसको दे दी 30% और हाइट मैंने इसको दे दी 100 पिक्सल। बॉर्डर इसको देता हूँ ताकि हमें हाइट विद का अंदाजा हो जाए, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, बल्कि बॉर्डर की जगह मैं इसको एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ व्हाइट, और मैं इसको दे देता हूँ बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो आपको याद होगा, हमने पढ़ा था सीएसएस के अंदर बॉक्स शेडो अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे देता हूँ बॉक्स शेडो। मैं इसको 2 पिक्सल 4 पिक्सल और इसकी मैंने ब्लर बता दिया इसको 5 पिक्सल करना है, कलर मैंने इसको बोल दिया ग्रे। रिफ्रेश करा तो देखें आइकन इस तरह से मुझे नजर आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कार्ड पूरा अच्छा लग रहा है, बॉक्स शेडो इस पे आ गया और इसके अंदर ये सारी चीजें भी आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले डिव को टारगेट करता हूँ मैन कार्ड। अच्छा देखिए, बिल्कुल स्लाइडर से चिपक गया, ऊपर चला गया, थोड़ा सा इसको गैप देना है, तो मैं क्या यूज करूंगा मार्जिन, तो मैं मैन कार्ड वाली क्लास को कॉपी करता हूँ। हाँ, सोर्स कोड जो है वो मिल जाएगा कोई, आप इसका बल्कि नहीं, सोर्स कोड कैसे मिलेगा, आप यही वाला छाप देंगे तो इसका आपको सर बताएंगे कि भाई सोर्स कोड हम देंगे या नहीं, आप यही वाला बना देंगे कहेंगे सर हो गया असाइनमेंट। आप यहाँ से सिर्फ आइडिया ले और आप इस वीडियो को दोबारा देख के आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ से ये कार्ड कॉपी मैन कार्ड की क्लास को टारगेट करा और मैंने बोल दिया मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप कहाँ गया, मार्जिन टॉप,
मार्जिन टॉप मैंने बोला 10 पिक्सल, 10 पिक्सल थोड़ा कम लग रहा है, मैं बोलता हूँ 30 पिक्सल, नीचे आ गया। ठीक है जी, 30 पिक्सल दिया, नीचे आ गया। इसी तरह से मैं 3 कार्ड बना लेता हूँ, जो मैंने कार्ड 1 में चीजें दी वो मैं कार्ड 2 में भी दे देता हूँ, जो मैंने कार्ड 2 में चीजें दी है वो मैं कार्ड 3 में भी दे देता हूँ। सिर्फ हमें आइकन चेंज करना है। अब इसमें फार ट्रक लगा दिया था, तो हम दूसरा वाला क्या था, दूसरा था हमारे पास 24/7 सपोर्ट, सही है, ये हम लिख देते हैं टेक्स्ट 24/7 सपोर्ट, 24/7 सपोर्ट। इसमें आइकन कौन सा लगाया हम 24/7 सपोर्ट में, एक यूजर है जो हेडफोन लगाया हुआ होता है, वो आइकन हम इसमें ढूंढ के लगा देते हैं। तो हम इसमें आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोर्ट, सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ ऐसा, हेडफोन अगर मैं लिखूं, हेडफोन या यूजर ही अगर मैं लिख दूं, अच्छा ये आपको आइकन ढूंढना पड़ेगा, आप परेशान नहीं होगा, जल्दी जल्दी मतलब आपके पास तो टाइम है, आप ढूंढ के लगा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी सिर्फ हेडफोन का लगा देता हूँ, ये हेडफोन वाला आइकन है, मैं ये वाला लगा देता हूँ, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, एक यूजर होता है जिसने हेडफोन पहना हुआ होता है, वो आइकन लगा देंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये कॉपी करा आइकन और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है जी। और इस फा हेडफोन को भी हमने साइज बड़ा दे दिया। CSS की फाइल में मैं आ गया, 24 सपोर्ट क्या है कि भाई होता है ना शॉपिंग वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है भाई 24/7 और सम सपोर्ट देंगे, किसी भी बार आप कॉल करें, आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, आपको ऑर्डर ट्रैक करना है, तो ये सारी चीजें। तो आप इस पे फोकस नहीं करें, आप लेआउट पे फोकस करें। ट्रक का साइज हमने बड़ा करा था, इसका साइज भी हम सेम रख देते हैं। हेडफोन में आके रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या नजर आ रहा है, अच्छा ये नीचे आ गया, ना इस पे स्टाइलिंग हुई ना कुछ हुई। स्टाइलिंग भी मैं इसको दे देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जहां मैंने कार्ड 1 को स्टाइल दिया है वहां मैं कार्ड 2 को भी दे देता हूँ। मैंने लिखा डॉट कार्ड 2, फिर मैंने कॉमा डाला, फिर मैंने लिखा डॉट कार्ड 3, रिफ्रेश करा मैंने आके, तो ये देखिए तीनों पे सेम स्टाइल आ गया। अब ये तीनों तो आ गया, अच्छा लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाले पे हमें क्या लगाना था, लास्ट वाले पे हमें लगाना था बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी पे हम लगाते हैं आइकन कौन सा लगाएं, बेस्ट क्वालिटी पे लाइक का लगा देते हैं, बेस्ट क्वालिटी इस पे आइकन में लगा देता हूँ लाइक का, ये कौन आ गया लाइक, ठीक है जी। थंब अप का आइकन इस पे मैं लगा देता हूँ, ये वाला बेस्ट क्वालिटी, सही। और इसका साइज भी हम बड़ा कर देते हैं, जिस तरह हमने ट्रक का और हेडफोन का साइज बड़ा करा, इस तरह से इस आइकन का साइज भी हम बड़ा कर रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं तो देखें, फ्री शिपिंग, 24/7 सपोर्ट, बेस्ट क्वालिटी। अब ये तीनों कार्ड जो है ये एक लाइन में नहीं आ रहे, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इन तीनों को मैं सेम लाइन में कैसे लाऊं, कि एक यहाँ आ जाए, एक सेंटर में आ जाए और एक राइट पे चले जाए, फ्लेक्स के जरिए, फ्लेक्स के जरिए मैं इन तीनों को एक लाइन में कैसे लाऊं और इनके दरमियान स्पेस कैसे दूं। हाँ जी बताएं क्या करूं, मेन कार्ड को फ्लेक्स दे दूं, क्लास रो तो बूटस्ट्रैप से देंगे ना, बूटस्ट्रैप कोई कर रहे हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, बहुत अच्छा मोहम्मद हसन ने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हम दे देते हैं पहले किसको, मेन कार्ड को, मेन कार्ड हमने स्टाइल दिया, हाँ ये रहा, मेन कार्ड को हम दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है जी। रिफ्रेश करा ये सेम लाइन में आ रहा है। अब दूसरी एक और चीज हमें करनी है कि हर एक कार्ड के बीच में स्पेस देना है, वो किस तरह करते थे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड दे देते हैं, स्पेस अराउंड मैंने दिया, मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखे आ गया, ये 3 कार्ड मेरे पास बन गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक काम और करना है कि देखिए बुरा लग रहा है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है और आइकन है ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है, इसको भी मैं अगर सेंटर कर दूं तो कितना अच्छा लगे,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ कार्ट को स्टाइल देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ये आ गया सेंटर। सही है जी, सही लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट के और आइकन के बीच में स्पेस दे देता हूँ, टेक्स्ट के और आइकन के बीच में स्पेस। तो किस तरह दूंगा, मैंने ऊपर आइकन्स लिए हुए, आइकन का साइज मैंने छोटा करा था, इसी पे मैं दे देता हूँ मार्जिन राइट, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, स्पेस आ गया। ठीक है जी, आइकन अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त हमने बना दिए। अच्छा इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, कलर हम इसका कर देते हैं, जो हमने नेव बार का रखा है वो इसका रख देते हैं। नेव बार का कलर हमने क्या रखा था, ये रहा नेव बार का कलर, ये था। आइकन का कलर हम चेंज करके देख लेते हैं, हमने बोला कलर इंपॉर्टेंट, रिफ्रेश करा तो देखेंगे कलर चेंज हो गया। और टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट को हमने क्या क्लास दी थी, H3, H3 पे डायरेक्ट लगा देते हैं क्योंकि अभी टाइम कम है, क्लास वगैरह बाद में देंगे। H3 पे मैंने बोल दिया कलर ये वाला। ठीक है जी, जो मेरी नेवबार का कलर था वो मैंने इस पे दे दिया, अब काफी अच्छा ये लग रहा है। अब हमें देखना है कि ये रिस्पॉन्सिव बना या नहीं, रिस्पॉन्सिव का भी तो ख्याल रखना था हमें, तो मैं चेक करता हूँ ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो देखें यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है। अब मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा ना तो ये बुरा लग रहा है, ये बिल्कुल घुस गया आपस में, तो मैं इसको क्या करूं। फ्लेक्स का मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके मदद से, जिस प्रॉपर्टी की मदद से रिस्पॉन्सिव हो रहा था, कमेंट करके वो प्रॉपर्टी मुझे जल्दी से बताएं। क्या दूं, फ्लेक्स रेप फॉर रिस्पॉन्सिव, सर सही है, फ्लेक्स रेप हमें देना है। तो कहां पे दूंगा मैं, मेन कार्ड के ऊपर मैं दूंगा फ्लेक्स रेप रेप। मैंने रिफ्रेश करा, मैं इसको छोटा करता हूँ, नहीं ये इस पर हमें नहीं देना था, हमें कहाँ देना था, हमें साइज पहले हम बता देते हैं इसको 300 पिक्सल, अब ये शायद चल जाए, मैंने छोटा करा तो ये देखें। अच्छा ये देखें, ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं मार्जिन टॉप इसको दे देते हैं, मैंने छोटा करा तो ये देखें, ये आ गया, ये आ गया मार्जिन टॉप। अगर इसको हम दे देंगे ना हर कार्ड को तो ये अच्छा हो जाएगा, नहीं मीडिया क्यूरी की जरूरत नहीं, हमने इसको फ्लैग से ही कर दिया, बस सिर्फ मार्जिन टॉप हमने लगाना भूल गए थे। मार्जिन टॉप हम इसको देते 10 पिक्सल, रिफ्रेश करा तो ये देखें, ये मैं फुल विथ पे आ गया, मैंने विथ को थोड़ा सा छोटा करा, ये एक आइकन नीचे आ गया, दो ऊपर है, सही है। मैंने थोड़ा सा और छोटा करा तो ये देखें, तीनों आइकन सेम लाइन में, अलग अलग लाइन में आ गए, तो ये फुली रिस्पॉन्सिव है। मैं इसको मोबाइल पे खोल लूँ या कहीं पर भी खोल लूँ, फुल रिस्पॉन्सिव बन गया फ्लेक्स के जरिए। मैंने इसको बड़ा कर दिया, एक लाइन में तीन आ रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा छोटा करा, एक लाइन में दो आ रहे हैं और एक लाइन में एक आ रहा है। अगर आप फॉल लगा देते, मतलब चार कार्ड होते तो नीचे भी इसी तरह से आते और अच्छा हो जाता, लेकिन ये भी अच्छा ही लगा है। तो इसको मैंने और छोटा करा तो इसने क्या करा, तीनों कार्ड अलग अलग लाइन में ले आया, तो इससे काफी हमें अच्छा हमारा लेआउट बन गया। तो अभी हमारा मेन्यू भी चल रहा है, हमारा स्लाइडर भी चल रहा है, सही है जी, और हमारे कार्ड्स भी रिस्पॉन्सिव चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या था, अच्छा मीडिया क्यूरी भी यूज करके दिखा दें। मीडिया क्यूरी कहाँ पे यूज करें, मीडिया क्यूरी की तो जरूरत अभी मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही। अच्छा चले मीडिया क्यूरी यूज करते हैं, मीडिया क्यूरी यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं कि जब मैं इसको छोटा करूं, जब ये इस साइज पे आए ना, ये फुल विद हो जाए। अभी देखिए ये सेंटर में आ रहा है, कम विद है कार्ड, मैं चाहता हूं जब ये इस साइज पे आ जाए ना, ये जब इस साइज पे आए ये फुल विद हो जाए, तो मैं मीडिया क्यूरी लगा के मैं ये चीज कर लेता हूं कि कार्ड जब मोबाइल का साइज आए ना, स्क्रीन का साइज छोटा हो, कार्ड का साइज फुल विद हो जाए, 100% हो जाए, तो मैं ये कर लेता हूं। मैं आता हूं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ @media, क्या था आगे बासित, मैं भूल जाता हूँ बार बार इसको, काफी दिनों बाद क्योंकि लगाता हूँ। मीडिया क्यूरी में देख लेता हूँ, मीडिया क्यूरी इन HTML इन CSS, ये रहे, ये मैं लगा लेता हूँ मीडिया क्यूरी। और स्क्रीन का साइज कैसे पता चलेगा कि मैं आया वेबसाइट पे, मैंने यहाँ ऊपर देखा, ऊपर आप छोटा सा देख सकते हैं, ऊपर हमें साइज पता चल रहा है। मैं इसको जब बोलता हूँ कि जब 700 से कम हो जाए, बल्कि नहीं 600 से कम हो जाए,
600 से स्क्रीन का साइज कम हो जाए तो इसकी फुल विड्थ हो जाए। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 600 पिक्सल और यहाँ पे मैं देता हूँ तीनों कार्ड। अच्छा मिनिमम है, मैक्स यहाँ पे लगानी है, मैक्स लगानी है, ठीक है। तीनों कार्ड को मैंने टारगेट करा और मैंने यहाँ पे दे दी विथ 100%। मैंने पहले इसको बड़ा कर लिया, मैंने रिफ्रेश करा, मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखें, देख लिया। मैं इसको छोटा करूंगा, ये दो ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा करा तो ये देखें फुल विथ पर आ रहा है। पहले किस तरह से आ रहा था, सेंटर में आ रहा था। मैंने मीडिया क्यूरी की मदद से इसको क्या कर दिया, मैंने इसको बोला कि मैक्स विथ कितनी हो, 600 पिक्सल। जब ये 600 पिक्सल से स्क्रीन का साइज कम हो जाए, 600 पिक्सल से छोटा हो जाए, तो कार्ड वन को, कार्ड टू को, कार्ड थ्री को विथ कर दो 100%। तो इसी तरह से काफी सारी चीजों में हम मीडिया क्यूरी भी लगा सकते हैं, मीडिया क्यूरी भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी लगाई, तो टाइम कम है, जल्दी से आगे बढ़ते और प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। index.html में आ गया, index.html में आ गया। मेरा कार्ड का जो डिप है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये मेन कार्ड मैंने बताया था, मेन कार्ड। अच्छा ये डिप देखें, डिप के साथ में एक लाइन चल रही है, अगर आप भूल जाए ना कि कौन सा डिप था, तो आप इस लाइन को फॉलो करते हुए आए। नीचे में आया, नीचे ये इसका डिप बन हो रहा, ये इसका डिप बन हो रहा। और मैंने यहाँ पे नीचे एक और डिप बनाया और इस डिप का, इस डिप को मैंने क्लास दे दी। क्या बनाना था मुझे, प्रोडक्ट्स बनाने थे, न्यू अराइवल। इसको मैं क्लास दे देता हूँ न्यू अराइवल, न्यू अराइवल। इसको मैंने क्लास दे दी न्यू अराइवल्स। अच्छा सिर्फ CSS की फाइल, तो सर आके बताएंगे क्या करना है वो, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझते रहें। मुझे नहीं लगता आपको कोड चाहिए होगा, ये समझने के बाद आपको कोड मुझे नहीं लगता चाहिए होगा, आप खुद से बना सकेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने बना दिया न्यू अराइवल का एक डिप। इस डिप के अंदर मुझे बनाने थे चार प्रोडक्ट्स। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बूटस्ट्रैप का लेआउट कॉपी करूंगा। मैं आया बूटस्ट्रैप के ऊपर, अच्छा फोर वाला देख लेते हैं यहाँ पे, या खुद बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। मैंने सबसे पहले बनाया कंटेनर, मैंने बोला इसको कंटेनर, ठीक है, मैंडे। उसके बाद मैंने बना दी यहाँ पे एक रॉ क्लास, मैंने इसको दे दी रॉ। अच्छा ऊपर वाला हमने क्या करा था, ऊपर वाला हमने फ्लेक्स से बनाया था, नीचे वाले जो प्रोडक्ट्स के जो कार्ड हैं वो हम बना रहे हैं बूटस्ट्रैप से। तो ये आप लाजमी गौर से ये चीज देखिएगा किस तरह से बूटस्ट्रैप हम कंट्रोल करते हैं। न्यू अराइवल का मैंने डिप बना लिया, उसके बाद मैंने कंटेनर एक बना लिया है, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैंने एक रॉ का डिप बना लिया, रॉ के अंदर मैं बना रहा हूँ कॉलम्स। मैंने एक कॉलम, एक डिप, दो डिप, तीन डिप, चार डिप, चार प्रोडक्ट एक लाइन में दिखाने हैं फुल विड्थ पे, चार प्रोडक्ट एक लाइन में दिखाने। तो मैंने इसको दे दी क्लास कॉलम। अच्छा अभी मैं कॉलम दे रहा हूँ, अभी आप, मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं प्रोडक्ट बना दूँ, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा किस तरह से करा जाए। ये मैंने सबको क्लास दे दी कॉलम। पहले वाले डिप में प्रोडक्ट बना देते हैं, दूसरे में प्रोडक्ट बना देते हैं, तीसरे में, चौथे में। अच्छा प्रोडक्ट किस तरह से बनाया जाए, प्रोडक्ट जो शो हो रहा होता है वो किस तरह से बनाया जाए। यहाँ पे मैंने कहा था एक इमेज हो, नेम प्राइस हो और एड टू कार्ड हो। तो इसके लिए बूटस्ट्रैप का कार्ड मौजूद है बना बना। मैं आगे कंपोनेंट्स के अंदर, शायद आप लोगों ने यूज भी कर लिया हो, मैं आया कार्ड, तो ये देखें कुछ इस तरह का ये मुझे दिख रहा है। ऊपर एक इमेज है और फिर इसका टाइटल है या प्राइस वगैरह यहाँ पे हम लिख देंगे और उसके बाद थोड़ा सा टैक्स है। यही वाला कार्ड हम कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम यही कार्ड हम कॉपी कर लेते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी करा, मैंने यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें कार्ड में इमेज लगानी है प्रोडक्ट की। तो क्या बेचें हम अपनी वेबसाइट के अंदर, क्या बेचने चाहिए, अभी तो रमजान चल रहे हैं हम रमजान में। अच्छा वीडियो, वीडियो सही चल रही है, बासित सही है। हम कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं, मैं आता हूँ गूगल पे,
एक अच्छा सा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा सा प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ, मैं लगाता हूँ यहाँ पे बर्गर की इमेजेस लगा दें, किसी को रोदा तो नहीं लग रहा। बल्कि नहीं, ये वाला बर्गर अच्छा नहीं है, तो हम लगाते हैं हाँ बर्गर चीज वाह सही बर्गर आया, बर्गर चीज इमेजेस कितना अच्छा बर्गर लग रहा है ना, तो हम इसमें से लगाते हैं ये वाला या ये वाला, इसमें से थोड़ा सा टपक भी रहा है कुछ, बल्कि यही वाला लगा लेते हैं हाफ वाला। ये वाली मैंने करा सेव इमेज एस, मैंने यहाँ पे लिखा बर्गर और सेव कर दी, सही है जी। और SRC में आके मैंने बोला images/burger.jpg, इसको मैं चला के देख लेता हूँ कि कार्ड मेरे पास नजर आ रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश करा तो ये कार्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको हम स्टाइलिंग करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा, सही है। और हम न्यू अराइवल्स वाले डिफ को मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। मैंने न्यू अराइवल वाला डिफ कॉपी करा और मैंने बोला मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, रिफ्रेश करा थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा और मैं दे देता हूँ 50 कर देता हूँ इसको, सही है भाई। तो ये कार्ड बन गया, इसकी मुझे हाइट थोड़ी सी कम करनी है, या हाइट सही है, हाइट और विड्थ दोनों इसकी कम कर देते हैं। तो इस पर इनलाइन थोड़ी सी स्टाइलिंग हुई हुई है, मैं इनलाइन हटा रहा हूँ और कार्ड पे अपनी मर्जी की स्टाइल दे रहा हूँ। इनलाइन मैंने हटा दिया, अब ये इमेज बार बार खुलती रहेगी बर्गर की, इसको मैं बंद कर देता हूँ, छोटा वाला बर्गर देखते हैं इतना बर्दाश्त हो जाएगा। सही है भाई, इनलाइन मैंने हटा दिया, मैंने स्टेजेस की क्लास को कॉपी कर लिया, कार्ट को मैंने यहाँ पे टारगेट करा डॉट कार्ट, इसको मैंने बोल दिया विथ, कितनी दे दें इसको विथ दे देते हैं 200 पिक्सल, और हाइट इसको हम दे देते हैं 200 पिक्सल, या अगर छोटी होगी तो हम बढ़ा देंगे थोड़ी सी। अच्छा हाइट अगर इम्पोर्टेंट ला के दें तो हो रही है, सही है, वो टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस वजह से हाइट हमारी मसला करी, तो टैक्स को हम हटा देते हैं अभी, सम को एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ ये टैक्स हटा देते हैं। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट बन गया है। इसका मैंने आपको बोला था इसका नाम हमें बताना है और इसके प्राइस हमें बताना है और एड टू कार्ट बटन बनाना है। कार्ट टाइटल की जगह मैं इसका नाम लिख दूंगा, मैं लिखूंगा चीज बर्गर, चीज बर्गर, चीज सही लिखा है, चीज बर्गर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसके साथ साथ मैंने इसके प्राइस लिख दिए हैं RS, कितने का आता है चीज बर्गर, 50 रुपए का, सही है 50 रुपए का, सही है, या 500 रुपए का कर देते हैं, महंगा वाला चीज है। मैंने रिफ्रेश करा, चीज बर्गर लिखा हुआ आ गया और 500 रुपए उसकी प्राइस लिखे हुआ आ गया। अच्छा प्राइस को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, कार्ड टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कार्ड टेक्स्ट को यहाँ पे टारगेट करा और मैंने बोल दिया इसको फॉन्ट वेट बोल्ड, रिफ्रेश करा बोल्ड आ गया। तीसरा क्या काम था, ऐड टू कार्ड बटन। अब नीचे जो एक बटन आ रहा है गो समवेयर, इसको मैं कर देता हूं ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ठीक है। और इस बटन पे थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर देता हूँ। BTN प्राइमरी की मैंने क्लास कॉपी करी, एड टू कार्ड ये आ गया, मैंने CSS में आया, मैंने इसकी क्लास को टारगेट करा, मैंने इसको पहले विथ बोला 100% ताकि ये पूरे कार्ड पे आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको बोला बैकग्राउंड कलर जो हमारी नेम बार का है वही हम इसको दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। बटन को भी हमने बैकग्राउंड कलर वही दे दिया, मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखें ऐड टू कार्ट का बटन अच्छा बन गया। अच्छा थोड़ी सी विड्थ मुझे कम लग रही है तो विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ, विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 250 कर दूँ, 250 सही रहेगी, 250 हाँ 250 सही है। ये हमारा एक प्रोडक्ट पूरा तैयार हो गया। अब मुझे सेम लाइन के अंदर 4 प्रोडक्ट ऐड करना है, कितने 4। मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉलम के नाम का एक डिप बनाया था नीचे भी मैंने बनाया था, नीचे वाले में मैं कार्ट को ऐड कर देता हूँ
उससे नीचे वाले में भी कार्ट को मैं ऐड कर देता हूँ और उससे नीचे वाले में भी ऐड कर देता हूँ। ये चारों में मैंने बर्गर ऐड कर दिया। अभी हमारे पास बेचने के लिए सिर्फ बर्गर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप काफी सारी चीजें बेचिएगा, गूगल से उठाइएगा और लगा लीजिएगा। ये आ गया, चार हमारे एक ही लाइन में आ गया। अच्छा, इसमें हमने ज्यादा सीरियस नहीं लगाई, इसमें हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करी और बना बनाया। हमें ना इसको सिंगल लाइन में लाने की जरूरत पड़ी, हमें ना इसको स्पेस देने की जरूरत पड़ी, सब काम बूटस्ट्रैप ने कर दिया। अब हम देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मैंने F12 प्रेस करा तो ये देखें ये कितना गड़बड़ कर रहा है। मैंने इसको छोटा करा तो ये देखें बिल्कुल सब प्रोडक्ट्स आपस में मिल गए। तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिव किस तरह करूँ? मैं चाहता हूँ कि लार्ज साइज हो तो चार प्रोडक्ट आए, कोई मसला नहीं। मीडियम साइज हो तो एक लाइन में दो आए, एक लाइन में दो आए। इसी तरह से जब स्मॉल साइज आ जाए तो एक लाइन में सिर्फ एक आए। तो ये हम देखते हैं बूटस्ट्रैप के जरिए किस तरह से करते हैं। मैं आ गया कॉलम के ऊपर, मैंने इसको बोला जब आप स्मॉल हो, मैंने लिखा कॉल SM-12। मैं जब स्मॉल हो तो फुल लाइन कवर कर लो, SM-12 कॉलम दे दिए मैंने इसको। फिर मैंने इसको बोला कॉल MD। जब मीडियम हो तो कितना करो, दो दो जगह करना हो तो सिक्स हमने बोल दिया। आप सिक्स ले लो, फिर दूसरा वाला होगा वो खुद सिक्स ले लेगा, तो एक लाइन में दो आ जाएंगे। फिर मैंने इसको बोला कॉल एल जी पे हमें कितना रखना था, एक लाइन में चार चाहिए थे, 12 को फोर जगह हम डिवाइड करें तो कितना हो गया पास फोर जगह करें तो इतना टाइम लगा रहा हूँ, थ्री हो गया। तो एल जी पे थ्री हो जाए, मतलब एक लाइन में चार आ जाए, और SM पे एक लाइन में एक आ जाए, MD पे एक लाइन में दो आ जाए। तो अभी हमें नहीं करना, अभी हमें पहले ये क्लास कॉपी करनी है और जितने हमारे पास इस रॉ के अंदर डिव है सबको ये क्लास दे देनी है। मैंने इसको भी ये क्लास दे दी, मैंने इसको भी ये क्लास दे दी, मैंने नीचे वाले को भी ये क्लास दे दी। मैं आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अभी फुल है। मैंने थोड़ा सा कम करा तो ये देखें मीडियम पे इसने एक लाइन में चार तो दिखा दी लेकिन वो एक के ऊपर एक आ रहा है। तो हमें इसका सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। मार्जिन टॉप इसको हम दे देते हैं कार्ड को, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। रिफ्रेश करा 10 पिक्सल से नहीं हुआ हमारा काम, तो इसको हम थोड़ा सा और मार्जिन दे देते हैं। या मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम इसको कर देते हैं टॉप की जगह। अच्छा, मैंने इसको छोटा करा था, एक लाइन में दो तो आ गए लेकिन सिर्फ चीज बरकर आ रहा है, तो मार्जिन हमें थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, या इसकी हाइट हमें थोड़ी सी छोटी करनी होगी। हाइट मैंने इसकी छोटी करी तो नहीं, हाइट इसकी बढ़ा के देख लेते हैं। या हाइट ऑटो भी हम कर सकते हैं, हाइट अगर हम ऑटो देंगे तो जितनी भी हाइट होगी वो खुद ले लेगा, तो ये अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं रिफ्रेश करा तो हाँ ये अच्छा हो गया। इसमें हमें फिर मार्जिन वगैरह देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्जिन हम थोड़ा सा दे देते हैं, इसको 5 पिक्सल हम दे देते हैं। तो ये देखें फुल स्क्रीन पे मैं आ गया, तो एक लाइन में कितना आ रहे हैं, 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैंने इसको थोड़ा सा स्मॉल करा, मैं मीडियम पे आया तो एक लाइन में कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और उससे नीचे वाली लाइन में 2 आ रहे हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा करा तो एक लाइन में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, एक लाइन में 2 भी हम दिखा सकते हैं छोटी डिवाइस पे। तो एक लाइन में अगर आपको 2 दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, SM पे आके भी 6 कर देंगे, SM पे भी 6 कर दिया, MD पे भी 6 कर दिया। अभी स्मॉल पे भी 2 दिखाएगा और मीडियम पे भी 2 दिखाएगा। अच्छा, वो कुछ ज्यादा स्मॉल हो रही है तो फिर वो 1 दिखा रहा है। तो SM के अलावा मैंने क्या बताया था, एक और लेआउट है जो है एक्स्ट्रा स्मॉल, उसको हम बोलते हैं XS। एक्सेस अगर हम ना भी दें, सिर्फ हम कॉल लिख देंगे तो वो चल जाएगा। तो ये बोर्ड स्टेप से हमने देख लिया किस तरह से लेआउट। अच्छा, अब ये राइट साइड पर आ रहा है तो इसका भी हमारे पास हाल है। हम चाहते हैं कि जब स्क्रीन का साइज छोटा हो तो ये सेंटर आ जाए। तो बोर्ड स्टेप की एक क्लास है जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर के नाम से, वो हम देख लेते हैं, उससे हमारा काम हो जाए, वरना हम अपनी CSS से भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दी जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, इस तरह से क्लास एक हम ये देख लेते हैं, वरना हम अपनी CSS भी लगा सकते हैं। मैं रिफ्रेश करा, इनिशियली हम बूटस्ट्रैप की ग्रिड के अंदर ही देखते हैं क्या क्लास थी,
मेरे जहन में नहीं आ रही है, मैं देख लेता हूँ अभी। थोड़ा सा मैं नीचे आया तो ये रही, जस्टिफाई कंटेंट एसएम सेंटर लिखना है, स्मॉल पे सेंटर है, एमडी पे भी सेंटर है, कोई मसला नहीं, हम एसएम पे लगा देते हैं पहले और फिर एमडी पे लगा देते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, एसएम पे नहीं आ रही है तो भले ये नहीं चले, हम इसको भी मीडिया क्यूरी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने ऊपर वाले कार्ड का साइज डिटेक्ट करा मीडिया क्यूरी से कि जब इतना साइज हो जाए तो उसकी विथ फुल कर दो, हम कार्ड की विथ भी बढ़ा सकते हैं। हम बोलेंगे जब इसका साइज थोड़ा कम हो जाए तो कार्ड की जो विथ है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए, ठीक है, कार्ड की विथ ज्यादा कर सकते हैं, या इसको सेंटर भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले कार्ड करें, इस तरह से हम नीचे वाले भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने हेडिंग नहीं डाली है, न्यू अराइवल की हेडिंग हम डाल देते हैं। हेडिंग थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डिफ, डिफ को मैं क्लास दे देता हूँ हेडिंग, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ H2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू अराइवल्स, और हेडिंग में CSS को टारगेट करके मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, मैंने लिखा टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो देखिए अब हेडिंग भी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, ये कहाँ पहुँच गया, हमने ऊपर लगा दिया, मेन कार्ड नहीं, हमें लगाना था न्यू अराइवल में। देखिए अभी मैंने गलती करी, मैंने इसको मेन कार्ड में लगा दिया तो उसने पूरी UI हमारी ख़राब कर दी, तो ये चीज़ आप भी ख्याल रखिए कि कोडिंग बिल्कुल सही जगह पे होनी चाहिए। मैं नीचे आया, मैंने न्यू अराइवल वाले डिप में इसको लगाया और रिफ्रेश करा तो ये न्यू अराइवल यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, जो भी हमें इसको स्टाइल देना हो हम दे सकते हैं। हमने बोला फॉन्ट वेट बोल्ड, इसको मैंने बोला कलर, कलर इसको यही वाला हम दे देते हैं जो हमारी वेबसाइट का हमने सेलेक्ट करा था, और मार्जिन इसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल, ये टॉप राइट बॉटम वगैरह हर जगह से ले जाओ। रिफ्रेश करा तो ये देखें न्यू अराइवल की हेडिंग भी हमारे पास आ गई। अच्छा, न्यू अराइवल को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ, बड़ा भी कर लेता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ फॉन्ट साइज, मैं बोलता हूँ इसको 44 पिक्सल, मैं इसको रिफ्रेश करा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा, ये बूट स्टेप की मैंने क्लास लगाई हुई, इस तरह से ये फॉन्ट नहीं चल रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसको H1 में कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया। इस पर हम टैग शेडो दे देते हैं। अच्छा, हेडिंग जो है वो एक डिव है, उसके अंदर H1 है, तो मैं किस तरह से टारगेट करूंगा CSS में, मैं लिखूंगा पहले हेडिंग ग्रेटर देन का साइन और H1, इसको मैं दे देता हूँ टैग शेडो, टू पिक्सल, 4 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें न्यू अराइवल की हेडिंग भी काफी अच्छी बन गई है। मार्जिन में दे देता हूँ, मार्जिन मैंने क्यों हटा दिया था, मार्जिन दे देता हूँ दोबारा से, तो ये देखें न्यू अराइवल की हेडिंग भी काफी अच्छी हमने बना ली है। इसके बाद लास्ट सेक्शन हमारा रह गया कौन सा वाला, अच्छा देखें अभी ओवर में कर रहा हूँ तो ये ब्लू कलर आ रहा है, तो आप इसको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके ओवर पे कोई और कलर लगा दें अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। अब मेरा एक सेक्शन रह गया क्या, पेंट पे मैं आके देखता हूँ फ्यूचर प्रोडक्ट। अच्छा, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि देखें ऊपर वाला जो प्रोडक्ट था ये हमने बना लिया, ये बिल्कुल सेम है ऊपर वाले प्रोडक्ट की तरह, तो मैं क्या करूंगा सिंपल सिर्फ कोड को आके कॉपी कर दूंगा। मैंने न्यू अराइवल वाला सेक्शन पूरा कॉपी करा और नीचे पेस्ट कर दिया, और इसकी बस मैंने हेडिंग चेंज कर दी, मैंने इसको बोला फ्यूचर प्रोडक्ट, मैंने रिफ्रेश करा तो अब देखें न्यू अराइवल आ गया, फ्यूचर प्रोडक्ट आ गया। कितनी जल्दी हमने पूरी वेबसाइट बना दी है। आखिरी काम हमारा रह गया फुटर, फुटर हमारा रह गया और टाइम भी हमारे पास 5 से 10 मिनट है। आप लोगों को रोजा भी लग रहा होगा, फिर ऊपर से मैंने बर्गर भी आपको दिखा दिया है, सबने बोल दिया होगा अम्मी आज बर्गर बना तो बस फुटर हम बना लेते हैं और उसके बाद सर को मैं बुलाता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, बाकी जो दूसरे पेजेस हैं वो ईजी हैं, आपको मैंने ये पेज बना के दिखाया है, आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से लेआउट हमारा बन रहा है, तो इसके जो दूसरे पेजेस हैं आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो फुटर में बना देता हूँ, फुटर में खुद से बनाता हूँ अपनी CSS लगा के। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ,
डिव के अंदर मैंने एक और डिव बना दिया जिसमें मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इसमें मैंने हेडिंग डाल दी H4, इसमें मैं लिख देता हूँ कॉपीराइट। अच्छा कॉपीराइट का आइकन मैं यहीं से उठा लेता हूँ फॉन्ट ऑसम से। कॉपीराइट गिरा, कॉपीराइट का ये आइकन हमारे पास आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी के बीच में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कॉपीराइट, और मैं इसको बोलता हूँ सेलानी। रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी इस तरह से आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फुटर की तरह बनाऊँगा। मैं इसको क्लास दे देता हूँ इसको फुटर। फुटर मैंने डिव को क्लास दे दी, सीएसएस में आके मैंने टारगेट करा डॉट फुटर, इसको मैंने विड्थ दे दी 100%, ठीक है जी। और फुटर को मैंने विड्थ दे दी 100%। इसके अलावा मैंने बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया है, कौन सा, जो हमारी वेबसाइट का कलर है। मैंने पूरी वेबसाइट पे एक ही कलर रखा है जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट अच्छी लग रही है। अगर आप 3 से 4 कलर रखेंगे तो आपकी साइट बन जाएगी गोलाकंडा। तो ये मैं रिफ्रेश करा तो ये देखें ये कलर भी आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको हाइट दे देता हूँ, हाइट में से कर देता हूँ 50 पिक्सल, थोड़ा बल्कि 100 पिक्सल में कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लगे ताकि 100 पिक्सल। मैंने इसको 100 पिक्सल ज़्यादा तो नहीं हो गई, ज़्यादा हो गई, मैंने इसको 70 कर दिया, सही है। और जस्टिफाई कॉन्टेंट मैंने कर दिया इसको सेंटर। अच्छा इसको नहीं, दूसरे वाले डिव को देना है जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर। फूटर के अंदर एक डिव है उसको देना है जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर। मैंने लिखा डॉट फूटर ग्रेटर देन का साइन डिव जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, सेंटर क्यों नहीं आ रहा, प्लस टेक्स्ट लाइन हम दे देते हैं सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। और इसका जो कलर है H4 का हम ये कर देते हैं वाइट कलर, हमने इसका कर दिया वाइट। ठीक है भाई, ये कॉपीराइट का हो गया, हमारे पास टाइम तकरीबन खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा। बाकी के पेजेस आप खुद बना सकते हैं। हमने क्या करा था, हमने एक नेव बार बना ली। अच्छा ये अब हम रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं पूरी वेबसाइट। ये देखें मैंने छोटी स्क्रीन का साइज करा, ये रिस्पॉन्सिव है, मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया, ये हमारी पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव आ गई। बस ये प्रोडक्ट को आपको सेंटर लाना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर या मैं अभी दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन गई है। इसमें हमने फ्लैक्स भी दोबारा देख लिया है, इसमें हमने बूटस्ट्रैप भी दोबारा देख लिए और मीडिया क्यूरी भी लगा के देख लिए। तो सर आपको ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है और किस तरह से हमें असाइनमेंट सबमिट करना है। अच्छा जी, ओके सो एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए, शायद गुड न्यूज़ है। मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगा ताकि आप लोग इसको दोबारा से देख सकें और इसे सीख सकें। सिर्फ वीडियो के बारे में बताने का मकसद ये था कि आखिरी अशरा चल रहा है और आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो ये सुकून में होते हैं कि हम लाइव क्लास नहीं लेंगे। बट अभी के लिए तो नहीं करूँगा, बट हो सकता है कि आइंदा आने वाली क्लासेस के लिए हम वीडियो को डिलीट करें ताकि आप लोग प्रॉपरली चीज़ों को देख सकें। आई होप कि आज जो वेबसाइट का आप लोगों ने सीखा उससे आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। ना सिर्फ बेहतर समझ में आया होगा बल्कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं, किस तरह से काम करते हैं। गौस जो हमारा माशाल्लाह से चीता है, इंसान हो तुम, चीता है, चीता इंसान वाला चीता है, तो उसने बेहतरीन तौर पर आप लोगों को सिखा दिया। तो कोड इंशाल्लाह अभी आपसे शेयर कर देते हैं, नहीं कोड आपसे शेयर नहीं करेंगे, कोड आज की क्लास का शेयर नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम आपके लिए कंटिन्यूसली गुड न्यूज़ दे रहे हैं, आज का कोड शेयर नहीं होगा। तो ये भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर तौर पे सीखा, ना सिर्फ सीखा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो आपकी शिकायतें हैं कि सर करना कैसे, कैसे करें, क्या करें, हम सर दीवार में मार मार के थक चुके हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मसला आपका हल हो चुका है।
देखिए, जो मसला आपका खड़ा होता है हम उसको हल करने के लिए आपके दरमियान में मौजूद होते हैं। अब हमें आपसे क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए, आपसे वादा चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए मेहनत करने का, कि आप लोग मेहनत से बैक ऑफ नहीं करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम देंगे। ना सिर्फ अंजाम देंगे बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में एक कैरियर बना के अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ और मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर को चेंज करेंगे। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।